दीपा अरे ओ दीपा बैरी हो गई है क्या? जी मैम साहब। घर में इतना काम पड़ा है और तू खिड़की पे खड़ी होकर तमाशा देख रही है? नहीं मैम साहब। अगर तू काम अधूरा छोड़कर यहाँ से गई तो कल से तेरी छुट्टी। अरे भाई इंदु जल्दी चलो, कितनी देर करोगी? ओहो आपको तो जुआ खेलने की बहुत ही जल्दी पड़ी है। अरे भाई साल में सिर्फ एक ही मौका मिलता है दिवाली पर, और उसमें भी तुम। अच्छा अच्छा आप नीचे जाके गाड़ी निकालो, मैं अभी आती हूँ। देख दीपा, बाबा और उसके दोस्त रात का खाना यही खाएंगे। उनको अच्छी तरह खिला के, झूठे बर्तन साफ करके, अच्छी तरह जमा के फिर घर जाना। अगर जल्दी घर पे भागी तो कल से आने नहीं दूंगी, समझे? बाबा। यस मम्मी। देखो बेटा हम लोग बाहर जा रहे हैं, हमारे आने में देर हो जाएगी, तुम हमारा इंतजार मत करना। अच्छा मम्मी। और हाँ तुम भी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना, उधम नहीं करना। नहीं नहीं मम्मी। मम्मी डैडी के हुर्रे। किसकी जेब में कितना माल है अभी पता चल जाएगा। शुरू हो जाओ जल्दी, क्या है तो बंदे थे। एक मिनट अभी जल्दी डालो यार। मेरे लिए थम्स अप मंगा दिया। थम्स अप? यू मीन दिवाली की रात को थम्स अप पिएगा? नहीं यार मैं पीता ही नहीं ना इसलिए। अबे मर्द का बच्चा बन, आजकल तो औरतें भी शैंपेन पीती है। कम ऑन क्लास पकड़ो, क्लास पकड़ो। शाबाश पी ले, क्लास पकड़ो। एक सांस में अंदर, मैं तीन गिनता हूँ। वन पी ले, टू शाबाश, थ्री कम ऑन। बाबा खाना लगाओ। क्यों भाई दोस्तों, खाने के बारे क्या ख्याल है? ओ नो यार इतनी जल्दी क्या? महफिल तो जरा गर्म हो जाने दो, एक मिनट। ओ विस्की। अरे साले विस्की। हाँ, असली किक तो इसमें मिलेगी। बाबा मेरे ख्याल से तो। अबे चुप। सोडा मंगाओ। दीपा जरा बर्फ और सोडा जल्दी लेके आना। नहीं जल्दी लेके आइए। पर बाबा वो मेम साहब बोल के गई है कि। व्हाट्स योर प्रॉब्लम बेबी? जी तुमको तकलीफ क्या है बोलो। मुझे घर जाने को खोटी होता है, रात बहुत हो गई है। अगर आप लोग खाना खा लेते तो। खाना भी खाएंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन वक्त से। ये लो जी। ले लो बख्शीश है, दिवाली का इनाम समझो। लो जाओ बर्फ और सोडा जल्दी ले आओ। यप। हेलो हाय लीना डार्लिंग कैसी हो? फर्स्ट क्लास वेरी फाइन। जरा डॉली को फोन दो। हेलो डॉली व्हाट हैपन यार, तुम लोग आने वाले थे अभी तक आए नहीं, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और हाँ तुम्हारे लिए शैंपेन भी खोल के रखी है। हाँ फॉरन क्या? व्हाट डू यू मीन यू आर नॉट कमिंग? हेलो प्लीज यार सुनो। हेलो डॉली लिसन। हेलो हेलो नडी पिच, दो कौड़ी की लड़की है, कहती है किसी दूसरे की पार्टी में जाएगी, जैसे सुखदेव को लड़कियां ही नहीं मिलती। क्या बात क्या है यार, तुम लोग के लिए सरप्राइज अरेंज किया था दो लड़कियों का। तुम इस घर में लड़की लाने वाले थे? अगर बाबा के मम्मी डैडी को मालूम पड़ जाता तो। बोलो सुबह तक लौट के आने वाले नहीं, यहाँ पे क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता चलता। अब कहाँ जा रहे हो? किसी दूसरी लड़की को लेके आता हूँ। क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ सारा इंतजाम तो अपने घर में ही है। लेकिन सुखदेव नहीं। क्यों तेरा वाला क्या? क्या छोटी है बच्ची है। तू इन छोकरे को इतना नहीं जानता जितना मैं जानता हूँ। अरे तुम जैसे को ऐसा सबक सिखा के आएगी तुम लोग ढूंढते रहोगे। लेकिन तू घबरा मत, मैं हूं ना, तू चिंता क्यों करता है, कोई कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं सुखदेव। नहीं मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, रुपया चाहिए रुपया मिलेगा, जितना बोलोगे उतना मिलेगा। ये लो। चल सारे बाजूट छोड़ दे मेरा रास्ता, नहीं तो चिल्लाऊंगी मैं। चिल्लाओगी? छोड़ मुझे।
तू हट जा। हाथ से निकल गए। अरे अब क्या होगा, घर वालों को मालूम पड़ेगा, बड़ा लफड़ा हो जाएगा। कोई लफड़ा नहीं होगा, देख मैं करता क्या हूं। चल बे बाजू हट, तू अंदर आ जा। या पुलिस स्टेशन, या मे आई स्पीक टू सुपरिटेंडेंट वर्मा प्लीज? सुखदेव। हेलो अंकल, मैं सुखी बोल रहा हूं। सुखदेव, हैप्पी दिवाली अंकल। या डैडी इज वेरी फाइन, थैंक यू अंकल। एक मुसीबत में फंस गए हम लोग। नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है अंकल। हम अपने एक दोस्त के यहाँ छोटी सी गेट टुगेदर कर रहे थे, पार्टी। तो उसमें क्या हुआ, इस घर की जो नौकरानी थी ना, वो कुछ चोरी करके सामान लेके भाग रही थी, तो मैंने देख लिया, तो मैं उसके पीछे भागा उसको पकड़ने के लिए। हाथ में नहीं आई अंकल। जी अंकल, एक मिनट अंकल, क्या नाम है उसका? दीपा। उसका नाम दीपा है। पास में पीछे वाली झोपड़पट्टी है ना, जूचाट की झोपड़पट्टी अंकल, उसके पीछे रहती है। जी अंकल, अंकल आप उसे पकड़िएगा जरूर, पक्की चोर नहीं है अंकल। मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान की सौगंध, मैंने चोरी नहीं की। मैं बेकसूर हूं साहब, मुझे छोड़ दो साहब। साहब, बजरिए इस्तगासा जो सबूत पेश किए गए हैं उनके मुताबिक मुलजिमा दीपा वल्द नामालूम को मुजरिम करार दिया जाता है और उसे 6 महीने रिमांड होम में रहने की सजा दी जाती है। 6 महीना काय को, 6 साल क्यों नहीं, अखा जिंदगी क्यों नहीं? इस दुनिया में कसूर हमेशा गरीब का होता है, अमीर का कोई दोष नहीं। हमारा कसूर यही ना कि हम पैसा वाला से अपना इज्जत बचाया। हमें फांसी चढ़ा दो साहब। एक बीड़ी लाना। राम राम राम, 6 महीने पहले आई थी, तू कितनी सीधी थी,
और आज मर्दों की तरह बीड़ी मांग रही है तू? 6 महीने तो बहुत ज्यादा है हवलदार, एक रात काफी आदमी की जिंदगी बदलने के लिए। ला दे। कितना है बे? 125। शाबाश जबक। एक कल से इसके लिए दूध का इंतजाम करना। हाँ, तेरा कितना है? 25। 25? अरे बाबा, 2 रुपया। 2 रुपया खाली? 2 रुपए? सारा दिन भर में तो 4 रुपए का खाता है। भाग भाग बोला रे, चल चल इधर, चल चल। अरे वाह दीपा रानी, अरे कैसे भूल गई भाई, हमने कितनी दफा तुम्हें मैसेज भेजा लेकिन तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। अरे अरे क्या बात है, खामोश क्यों है? जब से जेल से छुट्टी हूँ कोई काम पे रखने के लिए तैयार ही नहीं है। 3 दिन से खाना भी नहीं खाया। 3 दिन से खाना भी नहीं खाया? अरे पगली, तो फिर 3 दिन पहले क्यों नहीं आ गए? ए जसवंत, अरे दादा इधर आ, इसको ले जाकर ठीक से खाना वाना खिला, कल से ये काम पे जाएगी। शाबाश, चला जा। आजा आजा। अरे वाह वाह कमाल कर दिया। अबे देखो पहले दिन इस छोकरी ने क्या कमाल किया। वाह ले जा। बस क्या दादा, 300 रुपए का सिर्फ 10 रुपया, कम से कम 10% तो दो ना। अरे अबे इसको तो साली को हिसाब क्या आता। ये जरूर मेरा नाम रोशन करेगी। ले जा सका। अरे चलो धक्का गाय को मारते। अरे मेरा पर्स, मेरा पॉकेट, अरे भाई मेरा पैसा। अरे ओ चमक चल लो। ए, दूर से बात कर, हाथ नहीं लगाना। क्या है? तुझे उस्ताद ने बुलाया है। हाँ जाती हूँ। हाँ दादा मैं आ गई, बोल क्या बात है। अरे बैठ बैठ। अरे एक बहुत बड़े आसामी का पता चला है, लेकिन काम बहुत होशियारी से करना पड़ेगा। तू जाएगी? जाएगी कह को नहीं, तू मुझे उसका नाम पता बता, अभी जाती हूँ। तकलीफ है आपको? माता बहुत घनाटा खाता है साहब, रास्ते में कभी धड़ाम से इधर गिरती तो कभी धड़ाम से उधर गिरती, तबीयत ने हैरान परेशान कर दिया, ताप भी चढ़ते सुबह सुबह। अच्छा अच्छा। हाँ? घबराने कोई बात नहीं, यहाँ तुम लेटो, मैं तुम्हें देखता हूँ। नर्स नर्स नर्स। अरे वो लड़की का है? कौन सी लड़की सर? अभी एक लड़की है। खैर तुम जाओ।
साहब गैरेज से कोई आदमी। अरे हाँ, तुम मुझे पैसे देकर कहना कि मेरा पर्स कहाँ? जी चोरनी हूँ मैं, मेरी सूरत पे ना दाना, अपने
ये है 3 रुपए वाले 6 टिकट, 5 रुपए से कम मत बेचना हा? और मैं बाद में यही राज्य विरुद्ध दीपा बल अज्ञात। आरोपी दीपा यहां आकर कठेरे में खड़े हो जाओ। योर ऑनर, इस केस में मुलजिमा दीपा एक पुरानी अपराधी है। जेब काटना, उठाई गिरी और चोरी इसकी आदत बन चुकी है। पिछले 4 सालों में यह लड़की ऐसे ही अपराधों में कई बार जेल जा चुकी है और आज भी को वक्त खोटी करते हैं भाई। आप उनको जुर्म कबूल है, सजा दे और ये टंटा खलास करो। ए, बीच में मत बोलो, जब कुछ पूछा जाए तब जवाब दो। अरे वाह वाह वाह, मेरे को सजा दे रहे और मैं इच्छ नहीं बोलूं। अच्छा कहो तुम्हें क्या कहना है। अभी क्या है ना साहब, आप पूछेंगे कि क्या तूने गुनाह किया है, अपन हाँ बोलेंगे तो भी सजा, ना बोलेंगे तो भी सजा, इसलिए अपन का गुनाह कबूल है। फिर सजा देने को क्या देरी होता है, वो बेचारा दूसरा चोरों को खोटी होते ना, उन लोगों को भी तो जेल जाने का है। आप देख रहे हैं योर ऑनर, ये लड़की सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि सीना जोर भी है। तो सीना जोरी के 2 महीने और बढ़ा दो ना सजा में, लेकिन जो कुछ करना है जल्दी करो फटाफट। अब तो आपको भी यकीन आ गया होगा सर कि यह लड़की कितनी बिगड़ चुकी, अब ये नहीं सुधर सकती योर ऑनर। अब कड़ी सजा के अलावा इसका कोई इलाज नहीं। ये तो सब ठीक है वकील साहब, लेकिन आपने ये भी कभी सोचा है कि इतनी कम उम्र में कोई बच्चा ऐसे क्यों हो जाता है? इंसानियत और समाज के लिए जो जज्बा आपके दिल में है सर, हम सभी उसकी कद्र करते हैं, लेकिन ये लड़की आपकी दया और मोहब्बत के काबिल बिल्कुल नहीं है। इस बहस का यह वक्त नहीं है वकील साहब, मगर मैं आपसे फिर इस बारे में चर्चा जरूर करूंगा। हाँ तो दीपा, तुम्हें गुना कबूल है? हाँ, कितनी बार बोलेगा साहब, कबूल है। आरोपी दीपा वल्द अज्ञात, तुम पर जो आरोप लगाया गया है वो तुम्हें मंजूर है और इसके लिए तुम्हें 1 साल कैद की सजा दी जाती है। यह पूरा वक्त तुम्हें रिमांड होम में काटना पड़ेगा। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच जज सिन्हा साहब जैसी बड़ी पर्सनैलिटी आई है और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानकर प्रेसिडेंट बनना कबूल किया। जज सिन्हा को आप सब लोग जानते हैं, आपने एक्सपीरियंस और ऊंचे आइडिया से वो हमको गाइडेंस देंगे जिससे रिमांड होम का हमारा काम और भी अच्छा चलेगा। अब मैं सिन्हा साहब को माइक्रोफोन पर इन्वाइट करता हूँ। मिस्टर डैनियल, दूसरे मेहमान, भाइयों और बहनों, आपने आज मुझे अपने बीच बुलाकर जो इज्जत दी है, पता नहीं मैं उसके काबिल हूं भी या नहीं। एक न्यायाधीश का फर्ज निभाते हुए रोज मुझे न जाने कितने लोगों को जेल भेजना पड़ता है, लेकिन मैं अक्सर सोचता हूं कि अपराध के बदले जेल भेजने के अलावा क्या हम कोई और रास्ता नहीं सोच सकते? सैकड़ों वर्षों से इंसान इतना भी आगे नहीं बढ़ पाया कि अपराधी को एक सामाजिक प्राणी बनाने का कोई और तरीका इजाद करे। कभी सोचा है हमने कि आदमी, औरत, जवान, बूढ़े, इतना ही नहीं बल्कि फूल की तरह कोमल दिल वाले बच्चे भी क्यों अपराधी बन जाते हैं? समाज के रगों में नफरत का इतना जहर क्यों घुलता है जो इन्हें मुजरिम बना देता है? क्या इतना खुशनुमा माहौल और प्यार हम उस अपराधी को नहीं दे सकते कि वो अपराध छोड़ दे? मैं एक योजना पेश कर रहा हूं कि कुछ माँ बाप ऐसे अपराधी बच्चों को अपने घर में रखें, उन्हें प्यार दें, अपने बच्चों के साथ वैसी ही उनकी परवरिश करें। तो उम्मीद है कि शायद आज मैं इसे मजा चिका के रहूंगी। छोड़ो। बोलिए जज साहब, ऐसे बिगड़े बच्चों को कौन सुधार सकता है? कौन इनको घर में रखेगा? कौन इन्हें प्यार देगा? शांति रख, चुप हो जाना, चुप हो जा। क्या बात है दीपा? जज साहब, तुम तो जज है ना, इसका भी फैसला मारो। इधर इस कमीने ने मेरे कान के बुंदे चुराए हैं। चुप हो दीपा, आप जरा खामोश रहिए।
तुमने सचमुच उसके बुंदे चुराए हैं? अरे ये क्या बोलेगी आपके सामने, अगर आप समझते मैं झूठ बोलती हूँ तो तलाशी ले लो इसकी। देखो तुमने सचमुच बुंदे लिए हैं तो वापस कर दो वरना सजा मिलेगी। सजा छोड़ो, सजा साली को बहुत दे दी हमने, सीधी तरह से मेरे बुंदे वापस कर दे तो चल तेरे को माफ कर देती हूँ। उन बुंदों से इसे इतना लगाव क्यों है? वो उसकी मां की आखिरी निशानी है जैसा। तुम यहां अंधेरे में क्या कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं बोलिए। रामदीन कह रहा था कि तुमने चाय नाश्ता कुछ भी नहीं लिया। हाँ तबीयत नहीं हुई। क्यों क्या हुआ? नहीं वैसे बीमार नहीं हूँ लेकिन एक छोटी सी गुत्थी जरा परेशान कर रही थी। आओ बैठो बताता हूँ। बोलो। एक लड़की है दीपा, यही अपनी रानी की उम्र की है। कुछ दिन पहले मेरी अदालत में आई थी। यो तो पता नहीं कितनी बार कितने छोटे मोटे जुर्म कर चुकी है। कानून के मुताबिक मैंने उसे 1 साल रिमांड होम में रहने की सजा दी है लेकिन मन करता है कि मैं उसे वहां से छुड़ाकर अपने घर में ले आऊं। अपने घर में? क्या कहते हो? हाँ उमा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जुवेनाइल डेलिंक्वेंट्स के लिए आजकल एक स्कीम चल रही है। अपराधी बच्चों को सुधारने के मकसद से उन्हें प्रेम और हमदर्दी के साथ अच्छे घरों में पाला पोसा जाए ताकि एक नए बदले हुए माहौल में वो बेहतर बने, उनका भविष्य सुधर सके। माहौल बदलने से क्या किस्मत बदलती है? हाँ बदल सकती है, क्योंकि उमा ये जो दीपा है ना बड़ी खुददार और जज्बाती लड़की है। उसे अगर किसी का प्यार मिले, सहारा मिले तो वो पूरी तरह सुधर सकती है, किसी भी घर की शोभा बन सकती है। तुम भावना में बह जाते हो। एक सड़क छाप लड़की कितने घाट का पानी पीकर यहाँ आएगी? खुद सुधरना तो दूर रहा, उल्टे हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे। अरे नहीं, मैंने अभी पूना फोन करके किशोर से बात की थी, वो तो उछल पड़ा इस आइडिया पे। रानी को एक नई सहेली मिल जाएगी, और जहां तक सुभाष डॉली और पप्पू का सवाल है उन्हें दोस्ती करने में देर नहीं लगेगी। सोच लो तुम, जब सनक चढ़ती है तुम्हें तो मानते नहीं किसी की। नहीं नहीं बोला ना, अब उनको उधर नहीं जाने का। जरा सोच दीपा, तुझे अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे कपड़े मिलेंगे। अरे तुमको नहीं मालूम मेटन भाई उधर क्या होएगा, उधर फोकट का करोट लगा के रोज सजा देगा मेरे को। अरे पगली, वो तुझे अपने घर लिए जा रहे हैं, तेरी जिंदगी बन जाएगी दीपा। अरे अपनी जिंदगी का बनना क्या और बिगड़ना क्या, जरूर साले का कोई मतलब होएगा तभी तो लेके जा रहा है। मेरे को वैसे भी थोड़ा चालू आदमी लगता है शकल से। अरे नहीं नहीं तू गलत समझ रही है, जस साहब के तो तेरी इतनी बेटी है। तो होएगा, पर अपन उसका बेटी नहीं है। हाँ देख दीपा, अनाथ और बिगड़े हुए बच्चों को घर मिले, प्यार मिले, उनकी जिंदगी सुधरे, इसके लिए भी एक स्कीम बनी। चल बैठ मैं तुझे बताती हूँ। देख आज जैसे सिन्हा साहब तुझे ले जा रहे हैं, इसी की देखा देखी दूसरे लोग यहाँ से रिमांड होम के बच्चे ले जाएंगे, उन्हें गोद लेंगे, समझी? ले जाए, अपन का किसी को रोका है? मगर तू नहीं जाएगी, वहाँ जाकर अच्छे से नहीं रहेगी तो इन्हें कौन ले जाएगा? तू क्या चाहती है, ये बच्चे यहीं पड़े रहे, बाहर निकलकर भूखों मरे, चोरी करे और फिर जेल आए? क्या तू ऐसा चाहती है? आओ बेटी, हमारे साथ चलोगी ना बेटी? थैंक यू मिसेस रॉय, चलो बेटी। बेटी बेटी बेटी, तुमको बाप बनने का बहुत शौक है क्या? दीपा साहब, ये इसके बुंदे हैं, संभाल के रखिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए दीपा। चलो आओ दीपा, ये अपना घर है, उतरो। रे भाई ऐसा क्या देखते हैं आप उनको, अब उनके रानी बाग का जानवर है। छी 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 छी, ऐसी बातें नहीं करते, ये सब तुम्हारे भाई बहन हैं, अपनी नई बहन को सभी देखना चाहते हैं। ए, अब उनका कोई भाई बहन नहीं है, पिच्छू लफड़ा नहीं मांगता आप उनको। अच्छा अच्छा चलो बच्चों तुम अंदर जाओ। ये ठीक है। अच्छा उतरो तो सही। ऐसा
ये भाई कौन है? ये पत्नी है मेरी। आओ बेटी। ए भाई, बेटी बेटी नहीं बोलना आप उनको, अपना नाम दीपा है वो ही बोलो। अच्छा अच्छा दीपा, अंदर आओ। आओ चलो आओ। और रानी ये है दीपा। हाय। ए हाय हाय कैसे करता है, कोई तकलीफ है क्या तेरे को? ओफो, हाय का मतलब होता है हेलो। अरे वाह, मैं काहे कहलूं, तू हल? ओ पापा, शी इज इम्पॉसिबल। क्या बोला, क्या बोला साहब? नहीं कुछ नहीं, वो कह रही है तुम बहुत अच्छी हो। तो इतना सा सच्ची बात हिंदी में बोलने को क्या होता है इसको? अच्छा चलो अंदर चलो, ये है हमारा घर। तुम साहब लोग तो कितना ठाट से रहते हैं। है, एक बात बोलो साहब, मैं एक बंगले में चोरी के वास्ते घुसा था, वहां भी सब कुछ ऐसा ही था, ऐसा ही। अच्छा दीपा चलो, भूख लगी है कि नहीं? लगी साहब, बहुत लगी। तो चलो पहले नहा लो, बाद में सब खाना खा लेते। अभी दो रोज पहले तो नहाया था। देखो साहब अभी तो बहुत भूख लगी है, बोलेगा तो पिछू ना लेगा। अच्छा पहले खाना खा लेते, चलो टेबल पे बैठो। मेरा बड़ा लड़का है ना किशोर, पूना में पढ़ता है, हॉस्टल में रहता है, छुट्टियों में यहाँ आ जाता है, तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगा। और ये तीन कौन है? हाँ बच्चों अपना अपना नाम बताओ दीपा दीदी को। ललिता कुमारी सिन्हा। लेकिन हम लोग इसको प्यार से डॉली कहते हैं। और मेरा नाम पता है क्या? शत्रुघ्न सिन्हा। पर कोई मुझे इस नाम से पुकारता ही नहीं, सब पप्पू कहते हैं। और ये लंगड़ू? ये सुभाष है मेरे भाई का बेटा, यही रहता है, उसके माँ बाप नहीं है। तेरा मेरा खूब पटेगा, अपुन का भी कोई नहीं है इस दुनिया में। नहीं दीपा ये अकेला नहीं है, हम सब इसके हैं। अगर तुम चाहो तो तुम्हें। रहने दो साहब, ये सब बोलने का बात है, चलो खाना खाओ। दीपा पैर नीचे रखो, ऐसे नहीं बैठते। अब तुम यहाँ आई हो ना तो अब तुम्हें अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। एक बात बोलूं साहब, तुम अपनी आदत बदल सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, तो इस माफिक बैठ के देखो ना, बहुत मजा आता है। अरे टीम सब गुस्सा हुई क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो कुछ लाने गई होंगी। अरे रानी तुम्हारे कपड़े दीपा को बिल्कुल फिट आएंगे ना? ओ नो पापा, मेरे कपड़ों में तो एकदम जोकर लगेगी। ए क्या नाम तेरा, अब उनको नहीं मांगता तेरा जूना पुराना कपड़ा। ये पोटली देखा ना, इसमें सब कुछ है मेरे पास। लुक एट हर चीट पापा, अपने चीटों के साथ मेरे कपड़ों को कंपेयर करती है। रानी सॉरी पापा, ये छोकरी का दिमाग बहुत फिरेला है। गुरु, अरे ओ गुरु। उसका नाम रामदीन है, रामदीन तो होएगा, पर गुरु में क्या बुरा है? कुछ नहीं बाबा, तुम तो हर बात पे झगड़ा करती हो। हाँ बोलो बेबी। डूब गई लुटिया, अपुन तेरे को बेबी नजर आता है क्या? बोलो का चाहिए? उसल होएगा उसल? नहीं आमटी घोटाला उपमा। चल जाने दे यार, अपुन का पेट वैसे ही भरेला है, जा तू। पप्पू सुभाष। सॉरी पापा। सॉरी अंकल। अच्छा जाओ बच्चों, दादी माँ के पास जाओ और कहानियां सुनो। हैं ये दादी माँ कौन है? मेरी माँ, ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती है, बच्चों को बहुत प्यार करती है, खासकर सुभाष को। इसको तो कौन नहीं प्यार करेगा। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। दीपा तुम भी बहुत थक गई हो, जाओ सो जाओ। लेकिन अपन का खटिया किधर है? दीदी हम बताते हैं। चलो आ दीपा दीदी। इधर कहाँ लेके जा रहे हैं? ऊपर। अरे आई साहब। आओ दीदी। दीपा दीदी ये मेरा बिस्तर है। अरे मेरा। अच्छा पप्पू, लेकिन दीपा दीदी कहाँ सोएगी? मुझे क्या पता, रानी दीदी से पूछते हैं। रानी दीदी क्या है? बड़ी दीदी कहाँ सोएगी? ये मुझसे बड़ी है क्या? और नहीं तो क्या, टेम से लगन हो गया होता तो अपन का भी ऐसा छोकरा छोकरी होता, समझा क्या? शट अप, मुझे ऐसी बेहुदा बातें पसंद नहीं, जरा भी तमीज नहीं है तुझको। वैसा ही बोलेगा जैसा मर्जी होगा, तेरे को क्या? तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? इतना दम है तेरे में जो मुझसे लड़ेगा? जल्दी बता खटिया कौन सी है। उधर मुझसे दूर। छी बदबू आती है तेरे बदन से। अच्छा ऐसा क्या, कांच में मुंह देखा है अपना? चुड़ैल के माफिक है, अपन तो इधर ही सोएगा, बोल क्या करती है? ए मेरे बिस्तर को छूना नहीं, समझी? हट यहां से। भाड़ में गया तेरा बिस्तर, अपन को सोने का नहीं, इधर जा। बिस्तर को छूना नहीं।
अरे बेबी तू यहाँ सोएगी क्या? क्यों गुरु, तेरे को कोई तकलीफ है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, तेरी जो मर्जी हो कर दे भी। हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम राम राम, हरे राम हरे राम राम राम, कृष्णा 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 कृष्णा, कमलापते अधिपते, सीतापते श्रीपते, वैकुंठाधिपते, चराचरपते, लक्ष्मीपते पाहि माम, जय जगदम्बा जय सिया राम, जय जानकी वल्लभ सीता राम, राम राम हरे राम राम राम। अरे ओ माई, सुनती नहीं क्या? कौन है रे? हाय राम, अरे तू कौन है? अरे अपन तो दीपा है, तू कौन है? अच्छा तो तू वही लड़की है जिसके बारे में रात बच्चे कह रहे थे? क्या बोलता था वो लोग? कह रहे थे तो बड़ी मजेदार है, बड़ी अच्छी बातें करती वो है। वो तो ठीक है, लेकिन तू इतनी सुबह इधर काय को मरने को आया है? अरे इधर क्या कर रही है तू? अजीब लड़की है, देख नहीं रही है खाना बना रही हूँ? अच्छा तू तो यहाँ सबका खाना बनाती है? हाँ सिर्फ अपना बनाती हूँ, जब खाना अपना बना लेती हूँ तो घर का खाना बनता है। अरे वो लोग बड़े भ्रष्ट हैं, अंडा मुर्गी मांस मछली छी 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 खाते हैं बनाते हैं। ओ हो राम राम हरे राम हरे राम हरे राम। या तो मैं अपना खाना खुद बनाऊँ और नहीं तो कोई कुंवारी लड़की नहा धो के बना के दे तो फिर खाऊं। बामांगे विभाती भूधर सुता देवा, बगा मस्त काय को भेजा खाती है? अरे खाऊं कैसे, पहले बनाऊं तब ना खाऊं, अभी तो चाय का पानी चढ़ा है। हाँ और सुन, तू चाय पिएगी? अरे वाह बुड्ढी, दिल की बात बोली तू, अपन को सुबह सुबह बड़ी तलब लगती है, मेरे को कुछ भी करके दो चाय तो होना चाहिए। दो चाय? हाँ। अच्छा जल्दी से जा हाथ मुंह धो के चल। अच्छा बामांगेज विभाती भूधर सुता देवा, पगा मस्तके भले बाल बुढ़ंगले। ला दे दादू, हट के बैठ नहीं तो मुझे फिर नहाना पड़ेगा। पापा 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 पापा, बहुत गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? मालूम है पापा, दीपा दीदी रात को कहाँ सोई थी? कहाँ सोई थी? रानी दीदी से रात को झगड़ा हो गया इसलिए वो किचन में जाकर सो गई। किचन में भी कोई सोता है क्या? क्यों नहीं बेटे, अगर इंसान दिन भर मेहनत करे थका हुआ हो तो वो जहाँ भी सोएगा नींद आ जाएगी, नींद के लिए नरम बिस्तर की जरूरत नहीं होती। लेकिन पापा आप रानी दीदी को नहीं डांटेंगे? डांटिए ना पापा। सब हो जाएगा सब हो जाएगा, अब तुम्हारा स्कूल का वक्त हो गया, तुम लोग भागो, चलो भागो भागो। बाय बाय पापा। पापा पापा प्लीज हरी, अब मेरा पहला लेक्चर मिस हो जाएगा। जस्ट अ मिनट लव, तुम जरा गाड़ी में बैठ जाओ, मैं अभी आया। ओके पापा, बाय मम्मी। दीपा। बोलो साहब। ये क्या है? ओ साहब वो बुड्ढी माई ना अपनी, वो लंगड़ू की पैर की मालिश करती है रोज। हाँ। मैं सोची मैं भी थोड़ी मदद कर दूं। अच्छा गुड गुड, कैसा लग रहा है? वैसा ही पहले सरी का। रात को नींद तो ठीक से आई थी ना? काय को नहीं आएगा, अब उनका किसी का चोरी किया है। शाबाश साहब, बहुत गर्म है, जाऊं? हाँ जाओ जाओ जाओ। अच्छा साहब। पापा पापा प्लीज जल्दी आइए। हाँ बेटी। चलो मामा। अरे रे सोचता नहीं आन लाए क्या? चल आता है भेज का माफिक, घंटे बजाने को नहीं आता है। आपकी तारीफ, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो। तारीफ बाद में करना, पहले बता काम क्या इधर? काम तो तुझ सही है चोरनी, तू वही लड़की है ना जो एक दिन मेरी डिस्पेंसरी पर चुरा कर भागी थी? चोटी कहेगी, बता क्या चुरा कर जा रही थी इस घर से? अरे छोड़ मेरा हाथ, माथा फिरे ले गया तुम्हारा। मैंने हर थाने में तेरी तलाश की है, बता मेरा वो पर्स कहाँ? अरे होश में है कि नहीं, किससे बात कर रहा है? जज साहब से रिपोर्ट बोलूंगी ना तो अभी कभी जेल भिजवा देंगे तेरे को। जेल तो तू जाएगी, चल। अरे अरे क्या हुआ, क्या बात है विक्रम? आंटी ये लड़की अभी अभी आपके घर से कुछ चुरा कर निकल रही थी। अरे चोर होगा तू, चोर को चोर ही नजर आते हैं। देखा आंटी ये लड़की अव्वल नंबर की। बाबा ये दीपा है हमारी बेटी। क्या? अब इसे हमने अपनी बेटी मानी है, अब ये यहाँ हमारे पास रहती है। अच्छा अच्छा, अंकल शायद इसके बारे में बात कर रहे थे फोन पर। अब क्या कहें जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। ठीक है ठीक है। दीपा ये डॉक्टर विक्रम है, किशोर के बचपन के दोस्त। मेरी एक डिस्पेंसरी है वहाँ। वहाँ
आपने तो शायद देखी होगी। मेरे को नहीं पता। अरे विक्रम अंदर आओ। आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे? हाँ थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, कार का इंतजार है। तो चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। अच्छा ठहरो मैं पर्स लेके आती हूँ। पर्स कहाँ है? कैसा पर्स? मुझे नहीं मालूम। हाँ अब मैं आपको कुछ कह तो सकता नहीं हूँ क्योंकि अब आप सिन्हा जी की बेटी हैं, किशोर की बहन हैं, लेकिन पर्स कहाँ है? माल खर्च हो गया, पर्स खाड़ी में फेंक दिया। और कुछ पूछना है? नहीं देख लूंगा। तो देख लेना। चलो विक्रम। हाँ चलिए। हाँ बेटी चलिए। नमस्ते मिसेस सिन्हा। नमस्ते। आइए आइए। मैंने जो फोन पर आपको कहा था वो सब तैयार है? जी हाँ पसंद कर लीजिए। वो आपकी बेटी नहीं आई? यही मेरी बेटी दीपा है। ओह माफ कीजिएगा मुझे ऐसे लगा कि खैर जाने दीजिए गलती हो गई। कोई गलती नहीं हुई, अपन दिखता ही नौकरानी जैसा, इसलिए तो मेम साहब हमें कपड़ा दिलाने के लिए लाए। आइए आइए। चलो बेटी चलो। आइए मेम साहब आइए। जरा साड़ियाँ दिखाइए। अभी दिखाता हूँ, अभी मैं आपको लेटेस्ट वैरायटी दिखाता हूँ। ये माल आज ही हमारे पास आया है, ये देखिए। आँख का नशा। क्या साड़ी का नाम है? ये देखिए टेढ़े मेढ़े सपने। और ये देखिए जवानी दीवानी। और ये देखिए दिल भी टेढ़ा और हम भी टेढ़े। मेरे ख्याल में ये दोनों ठीक रहेंगे जी। इसे पैक कर दीजिए। मैचिंग ब्लाउज पीस है? वो भी है हमारे पास। आइए वो भी दिखाता हूँ। आइए आइए। मैम साहब ये लोग किराया को बहुत काटता है इधर, इसलिए दाम पहले से नक्की कर लेना। हाँ तुम चुप रहो। ये रहे मैचिंग ब्लाउज पीसेस, आप पसंद करिए। अरे ओ चश्मिस। क्या है? वो बता वो। ये? अरे वो नहीं वो। ये? ओफो उसके बाजू वाला। ये? हाँ। क्या भाव है? सिर्फ 80 रुपए मीटर। ए लूटता है साला। दीपा मैं सच कह रही हूँ मेम साहब, ग्रांट रोड की फुटपारी पे 12 रुपए मीटर मिलता है। ये इच माल ये इच। तुम रहने दो दीपा, मैं दाम खुद तय कर लूंगी। अपन को क्या है, पैसा खड्डे में डालने के तो डालो। ये ठीक है, ये दोनों ठीक है जी। मैं तब तो और कपड़े देखती हूँ, आप इसे बांध दीजिए। मैं भी बांध देता हूँ। चलो दीपा। मिसेस सिन्हा गलती थी शायद, बेबी रुमालों का पैकेट साथ ले आई। क्या लेकर आई है तू? इतना दाम लगा रहे थे, सोची थोड़े पैसे वसूल कर लूं। तुझे तो मैं घर चल कर देखूंगी। जाओ गाड़ी में बैठो। मिस्टर दिनचा रुमाल की कीमत बिल में लगा दीजिए। कोई बात नहीं मिसेस सिन्हा, नमस्ते। अच्छा। अरे भाई मानता हूँ तुम्हें बहुत मुसीबत उठानी पड़ी है, लेकिन इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम जानती हो इससे तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना। बढ़ जाने दो, दुकान में कितने लोग थे सबने देखा। क्या सोचते होगा हमारे बारे में? पता है मेरी सारी सहेलियां वहीं से खरीदी करती हैं, उन्हें क्या पता नहीं चलेगा? शहर में बात फैलते देर नहीं लगती, सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो तुम भी उनके साथ हंसो ना, इस लड़की ने जो कुछ किया है हंसने की ही तो बात है। मगर पापा इस जंगली लड़की को इतने अच्छे कपड़े दिलाने की क्या जरूरत थी? इस पे अच्छे लगेंगे क्या? पापा प्लीज ये कपड़े मुझे दे दीजिए और इसके लिए कोई सस्ते वाले ले आइए। अरे वाह वाह चल फोटिया से। दीपा चुप रहो। देखो रानी दीपा इसी घर में रहती है और उसकी भी वही इज्जत है जो घर के दूसरे मेंबर्स की है, समझी? पापा भी कमाल करते हैं, इसे हमारे घर में तो क्या ले आए, हमारे स्टैंडर्ड की हो गई क्या ये? आखिर है तो नौकरानी। ए हम कब बोला हमको नया कपड़ा खरीद के दो? अपन कोई भीख नहीं मांगता जो इस हलकट का बात सुने। सुना मम्मी तुमने इसकी बात करने का तरीका? अपन तो पढ़ेला लिखेला नहीं है, माँ बाप नहीं कोई नहीं हमारा, लेकिन तेरा तो सब कुछ है, फिर ऐसा कंगाल और सरी का बात कैसे करती है तू? हाँ अरे जा कंगाल होगी तू, देखे कभी ऐसे कपड़े जिंदगी में? नहीं भी देखा तो क्या हो गया, तेरे को तो देख लिया ऐसे कपड़ा पहनने वाले को। अपुन का नियत इतना खोटा नहीं है क्या? रख ले तू, नहीं मांगता अपुन को ये सब। बड़े आई नहीं कपड़े वाली। लागू एक बीड़ी पिला। नहीं बेबी लड़की जात के लिए बीड़ी सिगरेट पीना अच्छा नहीं। अरे भाड़ में गया तेरा अच्छा बुरा, उधर क्या बमा बम कम हो रही थी जो तू अपना भाषण चालू कर दिया। अरे चुप बैठ, इस घर में साला जानवर भी बम मरता है। पापा दीपा दीदी नहीं आई? तुझे बड़ी फिक्र है दीपा दीदी की? रानी दीपा दीपा क्या है?
नहीं मांगता आप इनको खाना वाना। तुम लोग चल बेटी, बचपना नहीं करते, खाना ठंडा हो रहा है। बोला ना साहब, अपन को भूख नहीं है। ऐसा लगता है तुम्हें रामदीन का बनाया खाना अच्छा नहीं लगता। रामदीन जी साहब, इधर आओ। आया साहब। रामदीन जी, कल से तुम्हारी छुट्टी, कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो। दीपा बेटी को तुम्हारा बनाया खाना अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं साहब, इसका कोई कसूर नहीं है। चलो खाना खा लेते हैं, ये अच्छा है, भूख नहीं है फिर भी खाओ। चलो बैठो। हो गई तसल्ली आपको? इसके बगैर हलक से निवाला नहीं उतर रहा था। लेकिन उमा, वो किचन में नहीं खा सकती है। जिसे उठने बैठने की तमीज नहीं है, उसे हमारे साथ टेबल पर बैठना जरूरी था। लेकिन उसने जानबूझ के तो नहीं किया था। वो क्या है ना साहब, मेम साहब का पारा बहुत चढ़ेला है। आप कुछ भी बोलेगा ना, उसको समझ नहीं आने वाला है। अब उनका भी ऐसे का बदतमीज, गलती करती है ऊपर से जबान चलाती है। मैंने भी क्या 24 घंटे का टेंशन पाल लिया है। काय को बिगड़ता है मेम साहब, आप उन गुरु के साथ जमीन पर बैठ के खा लेगा ना तो कुछ घस नहीं जाएगा। आज का साला दिन खराब है। मैं पहले कह रही थी कि लड़की मुसीबत खड़ी कर देगी, मगर आपको तो भूत चढ़ा है सुधारने का। नहीं हुआ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। खाक ठीक हो जाएगा, मैं कहती हूँ अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा। जहाँ से लाए हो वही छोड़ा इस बला को। ऐसा मत कहो उमा, अभी तो बेचारी को सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। हमने तय किया था हम दीपा को एक साल भर का वक्त देंगे। राम जाने साल भर में क्या कुछ नहीं हो जाएगा इस घर में। नाइट्रोजन एक गैसिक तत्व है, वो हवा का एक मुख्य घटक है। अमोनिया, नाइट्रिक एसिड इत्यादि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के यौगिकों से तैयार किए जाते हैं। मनुष्य के भोजन के मुख्य घटकों में से एक है। शरीर की वृद्धि के लिए तथा गिरते हुए अंगों की पूर्ति के लिए प्रोटीन आवश्यक है। लिख लिया आप लोगों ने? ये क्या कर दिया, सारा भ्रष्ट कर दिया, मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। काय को चिल्लाती है बुड्ढी, एक तो सुबह सुबह उठ के तेरे लिए खाना बनाया, सोचा चलो बेचारी की मदद हो जाएगी, और तू लगी वो मारने। मेरे लिए खाना बनाया तूने? और नहीं तो क्या, अपने लिए बनाया? हे भगवान, आज तक इस घर में किसी को ये बात नहीं सूझी कि मेरे लिए खाना बनाए। ये ले चाय पी। अरे हाँ, तू नहाई कि नहीं? हाँ बाबा, सुबह 5 बजे उठ के नहाई हूँ। शाबाश शाबाश, लेकिन चाय तो पी लेती हूँ, खाना नहीं खाऊंगी। काय को मैंने बनाया इसलिए। आज तो अपने हाथ से बनाया भी नहीं खाती। मेरा एकादशी का व्रत है जानती है? ऐसा क्या? अरे तू इधर क्या कर रही है? उधर नाके में बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ का भगवान बहुत फर्स्ट क्लास है, तू जो मांगेगी मिलेगा। लेकिन बेटी, इतनी दूर में जाऊंगी कैसे? तू फिक्र क्यों करती है, अपू लेके जाती ना तेरे को। अच्छा अच्छा, तेरे सहारे मैं दर्शन कर लूंगी। मेरे अपने लिए तो कुछ नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूर कुछ मांगना है। कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अरे अब तो मेरे कान में भी सीटियां बजने लगी है। दादी माँ, हम भी चले आपके साथ। क्या दादी माँ ये कह रहे हैं कि मंदिर हमारे साथ चले? हाँ हाँ जरूर चलो, ये भी कोई पूछने की बात है? बेटी जब से तू इस घर में आई है अजीब अजीब परिवर्तन हो रहे हैं। एक मिनट दादी माँ, सुभाष भी आ रहा है। सुभाष भी आ रहा है, कहाँ है? आ बेटा आ गया। चल चल चल। दादी माँ ये आपका मंदिर। राधे कृष्ण 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 राम जय जय राम। अरे वहाँ तो खड़ी हो गई। दादी माँ फूल और नारियल नहीं लेना? हाँ हाँ लेना है। तो तुम चलो ना, मैं लेके आती हूँ। अच्छा अच्छा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शुभ शुभ।
मुझे बंदर था। कहाँ गए थे तुम लोग? बहरे हो गए क्या? मैं पूछती हूँ तुम लोग कहाँ गए थे? आंटी हम सब मंदिर गए थे। वाह वाह, खूब अपने माँ बाप का नाम रोशन करोगे, झूठ बोलते शर्म नहीं है? लेकिन आंटी, जाओ अपने कमरे में, खबरदार जो बाहर निकले नहीं तो दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ। वह बेशरम लड़की, मालूम है आज तूने क्या किया? तेरी वजह से बच्चे आज स्कूल नहीं गए, सुभाष के पाँव में मालिश नहीं हुई, उसका टीचर आकर वापस चला गया, और बूढ़ी माँ जी तुमको ढूंढते ढूंढते सड़कों पर भटकती रही। और अगर दादी माँ को कुछ हो जाता तो? बीच में मत बोल चमची, बहुत पावर चढ़ रही है आजकल तेरा। क्या बोली तू? मैं पूछती हूँ, तू क्या मेरा घर बर्बाद करने के लिए आई है? अगर कोई तमीज नहीं है तुझमें तो क्या बड़ों के लिए इज्जत भी नहीं तेरे दिल में? ये बातों से नहीं मानेगी मम्मी, दो चार कस के दो तब ठीक होगी। ए मैम साहब को क्या बोलती है? मेरी बेटी के साथ ऐसी बात करती चुड़ैल, नीच कमीनी, बेशरम कमीनी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी, मैं मार डालूंगी, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या कर रही हो? हट जाइए, मैं मार डालूंगी, मैं बेशरम को मार डालूंगी। समझ करो उमा, 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 क्या हुआ उमा? फिक्र की कोई बात नहीं है अंकल, ब्लड प्रेशर भी कोई खास ज्यादा नहीं है। जिस तरह आपने टेलीफोन किया था मैं तो घबरा ही गया था। आंटी आपसे मैंने कितनी बार कहा है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया कीजिए। आप इन्हें छोटी मोटी बातें कहते हैं? दीपा जो कुछ करती है ना उससे हम सबको ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, यही ताजुब है मुझे। रानी अंकल प्लीज, डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरे मरीज की परेशानी की वजह क्या है। दीपा ये वही लड़े नाथ लड़की है ना जिसे आपने गोद लिया? काहे की अनाथ, चोर बेशरम नाशुकरी, जाने कैसी कैसी गालियां बकती है, जो हजार बार जेल में रहा हो उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। हे रानी की बच्ची, बाहर के लोग के सामने ऐसा को बोलती मेरे को? बताओ क्या तेरे को मैं भी? अरे चुप रहना। काहे को चुप रहेगा, क्या किया जो मैंने चुप रहेगा? ये ना कि बच्चों को बाहर घुमाने के लिए लेके गया, जुर्म है बच्चों को हवा में घुमाना, अगर है तो चढ़ा दो फांसी। दीपा सारा जैसा अपनी सारा मुसीबत लाया इस घर में। अब तुम ही बता विक्रम, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? बरसों से सब कुछ ठीक चल रहा था मगर लंका आ गई बीच में, सब कुछ राख हो जाएगा इस घर में, तब मानेगी। ये घर है साला जेल से भी खराब, अरे इधर से तो उधर ही अच्छा था। हम ये नहीं करो वो नहीं करो, गाना नहीं गाओ हंसो नहीं, पाँव खुर्ची पे काय को रखती है, मुँह खोल के काय को खाती है, आँख बंद करके काय को सोती है, कल से बोलेगा साथ मत लो जिंदा मत रो, अरे फिर काय को ला इधर मारने का वास्ते, साला जब देखो किट 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 किट, नहीं रहना काबुर को इधर। बंद करो ये बकवास, पागल हो गया तुम? जरा भी बदतमीजी की तो चोटी पकड़ के ऐसा मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। क्या बोला तुम? जानती है मैं इस घर का डॉक्टर हूँ, इस घर में सबका इलाज करता हूँ, लगता है तेरा भी इलाज करना पड़ेगा। अरे जा जा, अब उनको कुछ नहीं हुआ। वो तो मैं देखता हूँ कि तुझे हुआ क्या, शर्म नहीं आती तुझे? ये बेचारे भले लोग तुझे अपने घर में लेकर आए, रहने को जगह दी, बढ़िया खाना दिया, कपड़े दिए, अपनी बेटी जैसा प्यार दिया, इज्जत दी, बदले में तू क्या दे रही है इन्हें? अरे जानवर को भी प्यार करो तो जवाब में प्यार देता, तू क्या जानवर से भी कहीं गुजरी है? पर अपने किया क्या ये तो बोल। तुझे मालूम है माँ कितनी बीमार है, जो कुछ आज हुआ अगर वो दोबारा हुआ तो वो जिंदा नहीं बचेगी, कौन जिम्मेदार होगा उनकी मौत का? हाँ चल उनसे माफी मांग। माफी किस बात की, अब उनका जुर्म क्या है? माना कि तूने कुछ नहीं किया, माफी मांगने से तू छोटी नहीं बन जाएगी, चल अभी देख क्या रही है, पतीला इधर ला और चल मेरे साथ, आंखें दिखाती है, चल आओ। आंटी दीपा आपसे कुछ बोलना चाहती है, कान पकड़ो, मैंने कहा कान पकड़ो और बोलो। क्या बोलू? मैं बताता हूँ क्या बोलना है, जो मैं बोलता हूँ वो बोलो। हाँ बोलती। आज इस घर में मेरी वजह से जो मुसीबत खड़ी हुई है, आज इस घर में मेरी वजह से जो
मुसीबत खड़ी हुई है। मुसीबत खड़ी हुई है, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसी गलती मैं फिर कभी नहीं करूंगी। ऐसी गलती मैं नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो माँ। मुझे माफ कर दो माँ। माँ उधर देख कर बोलो। माँ बस। हाय एवरीबॉडी, किशन भैया, किशन भैया। यही चमत्कार दिखाने के लिए न कार्ड, न चिट्ठी, न तार, न ट्रंक और किशोर कुमार सिन्हा खिदमत में हाजिर है। जेब में हाथ मत डालो, हाथ में ये लो डॉली, ये लो सुभाष, ये लो पप्पू, चलो भग भग भग। हाय पापा, मजा आ गया। उस करप्शन के केस में आपके जजमेंट ने तो हंगामा कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन के रहेंगे। हाय मम्मी, हाय दादी माँ, हाय चचुंदरी भैया। रामू काका ठीक है ना? ए माँ, आप इतनी सीरियस क्यों है? देखो ना, आपकी आंख का तारा है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? होगी भी कैसी, पास में डॉक्टर जो खड़ा हुआ है। आप इसकी दवाइयों का बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, ये खाली बोतलों में रंगीन पानी मिला के पिला देता है। रियली यार, आज मैंने ऐसी दवाई का इस्तेमाल किया है। अच्छा, यानी शहद में क्विनिन? नहीं नहीं, क्विनिन में शहद। कौन है आप? खड़ी है, घूर रही है, हंस रही है? ए विक्रम, इस लड़की को कहीं देखा है? जिंदगी में लड़कियां घूरने की सिवा तुमने कुछ किया? दादी माँ बैठी यार, मैंने कहा देखा इसे? खजाना देखा हुआ। ए मम्मी, वो फुलझड़ी कहाँ है जो जमीन से उगी नहीं और आसमान को सर पर उठा रखा है? फुलझड़ी? वही वही जो रिमांड होम से तशरीफ लाई है। पापा क्या नाम है उसका? दीपा। हाँ दीपा। ए लड़की, जा दीपा को बुला के ला। अरे मुंह क्या देखती है, जाना उसको बोलो उसका भाई आया पुणे से। किशोर, मैं ही छू दीपा। हाँ, मेरा इच नाम दीपा है। क्यों हो गई ना बोलती बंद? आप उनको देख के बहुतों की ऐसी हालत होती है। इधर लाइट में, लाइट में ना। अरे पापा, ये तो बहुत सुंदर है। ऐसा लगता है आपके खानदान में ही पैदा हुई है। ए डॉक्टर, सुंदर है ना? अरे है तो बोलना, शर्माता टाइप हुए। लेकिन दीपा, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, बोलना कहाँ देखा है? जेल में देखा होगा, आप उनका आधा जिंदगी उधर ही पीते हैं। अभी तो उसको भूल जा, लेकिन तेरी भी एक रिपोर्ट बहुत खराब है। हां, यू आर एब्सोल्युटली अ प्रॉब्लम चाइल्ड, यानी मुसीबत। क्या क्या क्या? ये बता, तेरे कौन लाया घर में? पापा लाया ना? बोल हाँ। हाँ, हम लोग सब चाहते थे कि तू आए, सबकी मर्जी थी, ठीक है? नहीं थी तो हम लोग को क्या, डॉक्टरों ने कहा था कि तुम दीपा को घर ले आओ तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, या तेरे पास कोई लाख 10 लाख रुपए थे कि हम लोग सब हाथ जोड़ के खड़े हैं कि देवी जी आइए आइए हमारे घर लक्ष्मी। ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या तकलीफ है तुमको इस घर में? यह है मम्मी और यह है पापा। मम्मी को मम्मी और पापा को पापा बोलने को तेरी जबान हिल जाती है क्या? मेरी जबान नहीं हिलती। एक बात बता, तेरे को कौन ये रिपोर्ट लिखाया? मेरे को नाम बता उसका। वो क्या है ना, मेरे तो बहुत दुश्मन है। तेरा कोई दुश्मन दुश्मन नहीं, तू खुद अपनी दुश्मन है। अरे तू बेडरूम में नहीं सोती, अच्छे कपड़े नहीं पहनती, टेबल पर बैठ के खाना खाने को तेरी नानी मरती है। क्योंकि ये इस घर को अपना घर नहीं समझती ना। अरे जो पापा को पापा नहीं कह सकती। अरे कहने से क्या होता है, कहने से हो जाता है क्या? शी हैज अ पॉइंट यार। खाक पॉइंट, कोशिश तो कर सकती है। हाँ, अच्छा ठीक है, कोशिश करेगा। हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा देख, मैं तेरा भाई, मैं इतना ठेर दूर पुणे से आया, अभी तक मेरे को चाय के लिए पूछा क्या? ये धांधली के लिए बोल। ये तो चुक हो गई, आते चाय पूछना मांगता, पूछना मांगता था ना। हाँ, हाँ जा मेरे लिए चाय बना के। मैं? हाँ तू, आज मैं तेरी हाथ का चाय पीऊंगा, चलना जल्दी चाय बना गया। क्या बाबा, टेक्निक फिट? एकदम फिट, मान गया ना विक्रम? अरे आपने थोड़ी बहुत साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, लेकिन तू बहुत चुप है, क्या बात क्या है? देख रहा हूँ तुझे। मुझे देखना या? देर होगी, चलता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है? दीपा के हाथ की चाय पिए बिना नहीं जाने दूंगा तुझे। हाँ बस, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो ना, अब मैं आ गया, आपकी तबीयत फटाफट फटाफट ठीक हो जाएगी। हाँ चाय, ये लो। ये क्या है? चाय। शर्म नहीं आती? हा? पहले बुजुर्गों को देना चाहिए। हा? नहीं पापा, लीजिए चाय। रॉन्ग,
पहले बाहर से आए हुए मेहमानों को दी जाती है। राइट मम्मी, लेडीज फर्स्ट है ना पापा? हाँ पापा। थैंक यू। ले चचुंद्री तेरी चाय और ये मेरी। चीयर्स। 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 वाह क्या चाय बनी। इसे कहते हैं दिल से बनी हुई चाय। आज से मैं सिर्फ तेरी हाथ की चाय पीऊंगा। मैं भी, बहुत अच्छी चाय बनी है ना विक्रम? बहुत अच्छी चाय है। अबे दिल से बोल, दिल से बोल, मेरी बहन ने अपने हाथ से बनाई है। हाँ बहुत अच्छी है। क्यों मजा आया ना? बहुत 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 मजा आया। झूठा कहेगा, इसमें तो नमक है, मैंने तो इस तूफान के लिए बनाई थी, इनके हाथ में आ गई। पीते जा रहा कहता बहुत अच्छी चाय है, वाकई बहुत अच्छी चाय है। पियो पियो, पूरा खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। थोड़ी नमक और डलवा दूं तो। पप्पू, डॉली, तुम लोग सब? मम्मी। अरे मैं सपना देख रही हूँ क्या? किसने तैयार किया तुम लोगों को? दीपा दीदी ने। बीबी जी, बच्चों लोगों का टिफिन। रामदीप, ये सब किसने बनाया? दीपा दीदी ने। आंटी। अरे तेरे पाँव की मालिश भी होगी? हाँ। किसने की? दीपा दीदी ने। क्यों, अब तो मानती हो ना? ओफो, ये क्या है? तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे सुबह सुबह जगाने की? अरे उठ, नहीं तो टांग पकड़ के खींच लूंगी बिस्तर से। मम्मी, पापा देखो ये मुझे दीपा सोने नहीं देती। किधर गई थी रात को? क्या क्या कह रही है तू? इतनी रात को टैक्सी में तेरे को कौन छोड़ने को आया था, बोल। ओफ, इट्स टू मच नाउ। मैं अभी जाके मम्मी से कहती हूँ कि आज इस घर में या तो तू रहेगी या मैं। अरे जा जा, बोल दे जिसको जी में आए। रात को कौन था इसका जवाब तू अपनी मम्मी पापा के सामने तो देगी ना। चल मैं उधर ही तेरे से सवाल करती। चल, खबरदार जो मेरे रास्ते में आने की कोशिश की, अगर एक शब्द भी मम्मी पापा से कहा तो। देख रानी, अब उनकी आदत नहीं है इधर का बात उधर करने का, लेकिन एक बात सोच ले, वो गलत लोग का साथ नहीं छोड़ेगा ना तो ऐसा मारेगा कि तंगड़ी चीर के फेंक देगा तेरा, समझा क्या? दीपा, दीपा! अरे क्या है, काय को बम बम कर रहा है? जल्दी से तैयार जा, बाहर जाना है। किधर? वो बाद में बताऊं। मैं नहीं आती, मुझे घर में बहुत काम है। सुनना सुनना, क्या है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, उसे घर वालों से मिलाना है, और जब तक तू पास नहीं करेगी बात आगे कैसे बढ़ेगी? तो पहले क्यों नहीं बोला? चल। अरे सुनना, तू कपड़े बदल लेना। काय को, ये खराब है क्या? खराब नहीं है, क्या इंप्रेशन जमाना ना, तू अच्छे वाले रोमांटिक कपड़े में। पर अरे चलना, टाइम नहीं है, जल्दी करना। हेलो विक्रम, हाँ सब तैयार है, हम लोग 10 मिनट में निकल रहे। क्या हुआ? क्या हुआ, इतनी अच्छी तरह गाड़ी चला रहा था, खामखा नजर लगा दी तुमने। पर हुआ क्या? पेट्रोल खत्म हो गया और क्या हुआ, जब भी तुमको साथ ले चलो कोई ना कोई अड़ंगा हो ही जाता, उतर गाड़ी से। कमाल है। अब क्या हुआ? वो सामने मंदिर दिख रहा है, जाओ दर्शन वर्शन कराओ, मैं पेट्रोल ले आता हूँ। लेकिन अरे बिना पेट्रोल के गाड़ी कैसे चलेगी? के लिए आया था, अक्सर मैं यहां आता हूं, यहां पर मुझे शांति मिलती है। शांति यहां की मिलती है? हाँ। तब मैं जाती हूं। अरे सुनो तो, कहां जा रही हो? ना बाबा,
तुम्हारी शांति आएगी तो फजूल में झगड़ेगी, बोलेगी दूसरी लड़की के साथ कैसे बात करते हैं। अरे शांति से मेरा मतलब था मन की शांति, आत्मा की शांति, जिसके लिए। अरे और मैं समझी कि तुम शांति नाम की किसी छोकरी के साथ। अरे नहीं दीपा, मेरा तो जन्म जन्म से सिर्फ एक ही लड़की के साथ रिश्ता है, जिसकी तलाश मुझे रोज यहाँ इस मंदिर में खींच लाती है। ऐसा लगता है और कोई आवाज दे देकर मुझे बुला रहा है। विक्रम, मेरे पास आओ विक्रम। पुलिस में रिपोर्ट किया कि नहीं? लो, तुम्हें तो मजाक लग रहा है। अक्सर सपनों में ठीक उसी जगह जहां तुम खड़ी हो वो लड़की मुझे दिखाई देती है, सुंदर, भोली, पवित्र, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे वही तो हो तुम, बिल्कुल वही। मैं? हाँ। ताज्जुब है, मैं तो यहाँ कभी नहीं आई। जरूर तुम्हारी आत्मा सपने में मुझसे मिलती रही होगी। सच्ची बोलते तू, गाड़ी से उतरी अंदर आई तो मन में एक ही सवाल उठता कि साला गाड़ी का पेट्रोल इधर ही काय को खत्म हुआ, जरूर कोई चक्कर है। मामा बना दे तुम दोनों मेरे को मिलके, बहुत छाया समझते अपन को। हाँ सपने में आता मेरा ये। दीपा, अरे दीपा, दीपा, दीपा सुनो तो, मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल सच कहा, दिल से कहा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। अरे जा जा, अपन किसी को प्यार व्यार नहीं करता है। आओ मेरे साथ। कहां? आओ तो सही। जानती हो ये क्या है? क्या? ये वो जगह है जहां सच और झूठ की असली पहचान होती है। कोई शख्स इसमें हाथ डालकर झूठ बोले तो उसका हाथ फौरन कट जाएगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो विक्रम? सच और झूठ का फैसला करने वाले देवता, क्या मैं दीपा से प्यार नहीं करता? क्या दीपा मुझसे प्यार नहीं करती? ये क्या हो गया? मैं तो सच्ची में तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तो मजाक कर रही थी। ये मैं क्या? मैं तो मजाक कर रहा हूँ। हाय, देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ याद आता नहीं। देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ याद आता नहीं। करता रहा जिसका मैं इंतजार, कहो के कहीं तुम वही तो नहीं। देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ याद आता नहीं। करता रहा जिसका मैं इंतजार, कहो के कहीं तुम वही तो नहीं। अरे देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं। कभी तुम हमारे, कभी तुम हमारे ख्यालों में शर्मा रही थी। कभी आसमां के सितारों में लहरा रही थी। ये जलवा ये नखरा, ये जलवा ये नखरा, इन्हें खूब मैं जानता हूँ, मानता हूँ। देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं, लेकिन कहाँ याद आता नहीं। करता रहा जिसका मैं इंतजार, कहो के कहीं तुम वही तो नहीं। और देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं।
यहीं पर मिले थे यहीं पर लगा के गले से गले हम हिले फूल बन के इन्हीं बादलों के तले हम हमारा तुम्हारा हमारा तुम्हारा ये सदियों पुराना है बंधन कहे झूम के दिल की धड़कन देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं लेकिन कहाँ याद आता नहीं करता रहा जिसका मैं इंतजार कहो के कहीं तुम वही तो नहीं देखा है तुम्हें कहीं ना कहीं विक्रम हाँ माँ क्या बात है बेटे आज बहुत खुश नजर आ रहे हो हाँ माँ आज मैं बहुत खुश हूँ क्यों किसी नए केस का डायग्नोस किया है क्या क्या पहचाना माँ वाकई मैंने आज एक नए केस का डायग्नोस किया है किसका मेरा खुद का हाँ मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए गुड यानी अक्कल आ गई है तुझे बेटा तेरे पापा भी हमेशा यही लिखकर पूछते हैं विक्रम कब शादी करेगा और मैं लड़कियों की तस्वीरें बटोरते बटोरते तंग आ गई हूँ ये देख अरे नहीं माँ तस्वीरें रहने दे अब इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्या मतलब मतलब ये कि मैंने लड़की पसंद कर ली है यानी तुम्हारी बहू कौन है एक चांद का टुकड़ा अरे नाम तो बताओ उसका माँ जस्टिस सिन्हा क्या जिस नई लड़की ने जन्म लिया है ना वही विक्रम तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया माय गॉड वो लड़की लेकिन माँ तुमने तो उसे देखा भी नहीं है मैं कुछ सुनना पसंद नहीं करती विक्रम तू कैसे डॉक्टर है तू रोगियों का इलाज करता है या खुद रोग पालता है मेरा बेटा मैं सोच भी नहीं सकती थी विक्रम कि तू उस लड़की को पसंद करेगा शी इज हॉरिबल ये ठीक है माँ दीपा एक सीधी साधी लड़की है बहुत तकलीफों से उसकी जिंदगी गुजरी है उसमें कोई चमक दमक कोई ग्लैमर नहीं है मगर वो बहुत बंद करो ये वकालत वो लड़की इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है दैट्स ऑल एक बात कहूं मां आज नहीं तो कल आप भी दीपा को उतना ही चाहने लगेंगे जितना कि मैं बल्कि शायद मुझसे भी ज्यादा प्यार करने लगेंगे क्योंकि मैंने तय कर लिया है मैं शादी उसी से करूंगा और जिससे मैं शादी करूं वो आपको पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता बहुत खाई कर दे तुम लोग भगवान ने मेरे को दो ही छात दिए ना संभाल के दीदी संभाल के अरे हाँ तू संभाल के पकड़ हाथ थोड़ी दे अरे ऊंचा हाँ देख क्या मस्त छारे लगा रही हूँ साहब एकदम खुश हो जाएंगे आज वाह क्या कहने ये डैडी के बर्थडे की तैयारी हो रही है कि तुम्हारे शादी की तैयारी हो रही है तू फिर आ गया मेरे को हैरान करने के लिए अरे जा यहाँ से मेरे को बहुत काम है साहब के आने का टाइम हो गया है अरे ये कोई डेकोरेशन है मैं बताता हूँ डेकोरेशन क्या होता है अरे डॉली जरा बलून देना चाहता है कि नहीं यहाँ से चल अरे जब देखो अकल सिखाता रहता है चल भाग यहाँ से और देख अगर तू शाम के पहले घर में घुसा ना तो मार खाएगा लेकिन दीपा क्या कर रही है काम ही नहीं करने देता जब देखो भाषण देता रहता है अब कुछ काम होगा इस घर में ए पप्पू ला दे ये फिर आ गया किशोर का बच्चा अब मैं बताती इसको देख मारो तेरे को साहब आप वाह वाह अरे भाई कमाल है हम गलती से किसी दूसरे के घर तो नहीं चले आए वाह बेटी तूने तो इसे एकदम जन्नत बना दिया अच्छी बेटी होने का ये सुख होता है साहब ये सब बच्चा लोग का आईडिया है आज आपका वो है ना क्या बोलते इसको हैप्पी बर्थडे हाँ आज आपका हैप्पी बर्थडे है ना मैं सोची घर में बड़ा बड़ा लोग आएगा तो घर भी अच्छा लगना मांगता है ना सिर्फ घर नहीं बेटी घर के लोग भी अच्छे लगने चाहिए मैं अभी बदल कर आती हूँ नहीं 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 ठहरो ये लो ये क्या है खोल के देखो मेरे लिए साहब हाँ साड़ी हाँ
कैसी है? सुंदर है ना? सुंदर तो है साहब, लेकिन बहुत महंगा माल है ना? हाँ, और इस महंगे माल को तुम पहनोगी। पार्टी में सबकी नजरें तुम पर रहनी चाहिए। आपस में पूछेंगे, कौन है ये सुंदर सी लड़की, एकदम परी लग रही है। कौन है? दीपा है, जज साहब की बेटी दीपा। हाँ हाँ। सुनो, तुमने बता दिया था ना उसे कि माँ भी आने वाली है? हाँ हाँ, बता दिया था, उसे दो दिन से ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ। पता नहीं, मुझे डर लग रहा है। अरे तू फिक्र मत कर यार, जा तू आंटी के पास बैठ जा, जा। क्यों माँ, आज दीपा कैसी लग रही? काफी टॉलरेबल लग रही है आज, लगता है लड़की में काफी सुधार आ गया है। दादी माँ। दीपा। हाँ? यह है मेरी माँ, बहुत दिनों से तुम्हें मिलना चाहती थी। हेलो दीपा, हाउ आर यू? विक्रम तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। क्या, मेरी तारीफ करता है? डॉक्टर की माँ, ये सब बंकर्स है। ये भी और इसका दोस्त किशोर भी, दोनों बंडल मारता है। इनकी बातों में नहीं आना, भेजा फिर जाएगा तुम्हारा। दीपा। अरे साला, सच बोलने में क्या मान है? किशोर को भी मैं यही बोला कि देख भाई, अब उनको ज्यादा सिखाना नहीं, विक्रम की माँ के सामने ऐसा करो, विक्रम की माँ के सामने वैसा करो। याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो अपन जैसा है वैसा ही चाहे। क्यों डॉक्टर की माँ, खाली पीली किसी के सामने काय कर बामाना, है ना? मैं अभी आती फिर समझाती ठीक से। हाँ, कुछ खाने को चाहिए? अरे इस घर में एक ही दीपा, जाओ अपना काम करो। अच्छा या बाकी सब प्रेजेंट्स तो ठीक है, लेकिन ये देखो, ये देखो कितना खूबसूरत है ये सिल्वर सेट, है ना उमा? जी हाँ, बहुत सुंदर है। हाँ? लेकिन दिया किसने? इस पे नाम लिखा होगा ना किसी का? अरे इस पे तो किसी का नाम भी नहीं लिखा है। खैर एक मिनट में पता करते हैं, सुनिए, वन मिनट प्लीज। देखिए मेरे किसी अजीज ने ये बहुत खूबसूरत तोहफा मुझे दिया है, ये सिल्वर सेट, लेकिन इस पर देने वाले का नाम ही नहीं लिखा हुआ है। जिस किसी ने दिया हो अपना हाथ उठाइए प्लीज। कोई नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तोहफा देने वाला अपना नाम छुपा के रखना चाहता है। ठीक है, हमने भी सारी जिंदगी सच्चाइयों का पता लगाने में गुजारी है। अच्छा, ये तोहफा जिसने नहीं दिया वो अपना हाथ उठाए। रबिश, पापा इतना कीमती प्रेजेंट ये भिखारन कैसे देगी? रानी, 500-600 से कम का तो नहीं है, घर से कुछ चोरी करके बेच दिया होगा। रानी, शर्म नहीं आती तुम्हें दीपा के बारे में ऐसी बातचीत करते हुए? गलत क्या है, सारी दुनिया जानती है कि ये चोर नहीं है। सच सच बता, क्या चुराया तूने इस घर से? ये झूठ है, दीपा दीदी चोर नहीं है। चुप रहो तुम लोग, हट जाओ उसके पास से। दीपा तुम चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? रंगे हाथ पकड़ लिया है आपने, अब क्या जवाब देगी बेचारी? माफ कीजिए सिन्हा साहब, ये तो आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था, घर में बबूल बोने से गुलाब के फूल तो कभी नहीं निकलेंगे। माँ, लड़की की साड़ी बदल देने से क्या लड़की बदल जाएगी? विक्रम, विक्रम, मैंने पहले ही कहा था किसी का किसी दिन ये लड़की सोसाइटी में हमारी नाक जरूर कटवाएगी, क्या जरूरत थी इसे पालने की? पापा का बर्थडे ही मिला था इसे ये सब करने के लिए। पापा, पुलिस को फोन करूं क्या? खामोश, चुप रहो तुम सब लोग। देखो दीपा, मैं उन लोगों की तरह बेवकूफ नहीं हूं जो नतीजों पर पहुंचने में जल्दबाजी करते हैं। जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो या तुम खुद ना कहो, मैं तुम्हें अपराधी मानने को कतई तैयार नहीं हूं। घबराओ मत, मैं समझता हूं तुम पर क्या गुजर रही है। इन बेरहम लोगों की अदालत में सब कुछ खामोशी से सुनने और सहन करने की तकलीफ मैं समझ सकता हूं। बोलो, मुझे बताओ क्या बात है। अरे तुम्हारे बूंदे कहां गए?
कहाँ गए तुम्हारे बूंदे? गिरवी रख दिए, बेच दिए ना अपने पापा का मनपसंद प्रेजेंट लाने के लिए। इसका मतलब है दीपा बेकसूर है पापा। हाँ, मुझे तो एक लम्हे के लिए दीपा पर शक नहीं था। शक था इन सबको जो इतने दिनों बाद भी इसकी सारी कोशिशों के बावजूद एक शरीफ लड़की को दिल से अपना मानने को तैयार नहीं। चलो दीपा, मुझे बताओ बूंदे तुमने कहाँ भेजे हैं। चलो लो बेटी तुम्हारे बूंदे। देखो दीपा, अपने मां की आखिरी निशानी को इतनी आसानी से अलग नहीं करते बेटा। बस बस बेटा बस, चलो घर चलते हैं। बैठ दीपा दीदी, दीपा दीदी, पप्पू ने आया ना? दीपा दीदी क्या है? उनका फिर से फोन आया है, बोला ना बात नहीं करने का। जा किसका फोन है दीदी? तू चुप बैठ, उसको बोल आगे से फोन नहीं करना। एक मिनट तो बात कर लो दीदी। आधा मिनट भी नहीं। और तू बोल दे अगर फिर से फोन किया तो पापा से शिकायत कर दूंगी। जा। विक्रम भैया वो नहीं आती, नाराज है आपसे। ठीक है कोई बात नहीं, थैंक्स एनीवे सुभाष, बाय। मैंने पहले ही कहा था वो बात नहीं करेगी तुमसे, लेकिन हमारी सुनता कौन है? तुम्हारी नजर में तो हम बेवकूफ हैं। बेवकूफ तो मैं बन गया हूँ। माँ दीपा से सख्त नाराज है, दीपा मुझसे नाराज है, समझ में नहीं आता क्या करूं, पागल हो जाऊंगा यार। घबरा मत यार, कुछ सोचते हैं, ठहर जरा। अरे भोलू, भोलू को क्यों बुला रहा है? ठहर यार। अरे भोलू साहब, क्या चाय लाए साहब? चाय वाय नहीं चाहिए। सुनो आए? तुमने कभी नाटक नौटंकी में काम किया है? हाँ साहब, वहाँ हम जब गाँव में थे तो रामलीला में बहुत काम करते थे। क्या काम करते थे? अरे साहब कौनो काम साहब, बहुत काम कर रहे हैं। वैसे हमने अंगद का काम बहुत बार किया है साहब। वाह। मगर साहब जब हम रावण के दरबार में अपना पांव जमाए दे, 30 साले राक्षस लोग हैं ना, हमारा पांव इधर उधर करने की बहुत कोशिश करे रहे, मगर कौनो मजाल जो पांव टस से मस हो जाए। वाह बहुत अच्छे, बस तुम्हें यही करना है, लेकिन फर्क इतना है कि पैर तुम पकड़ो। ई का नया नाटक है साहब? हाँ नया नाटक है, और टस से मस होने की कोशिश दूसरा करेगा। अच्छा, लेकिन सुन लो, पैर छोड़ना नहीं, एकदम पकड़ के रहना है, समझे? हाँ साहब, पकड़ के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। शाबाश। अरे दीपा दीदी, अरे दीपा दीदी, आवा आवा आवा, अरे दीपा दीदी, अरे दीपा दीदी, दीपा दीदी। कौन हो तुम, यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? तो कहा आप दीपा दीदी नहीं, तो फिर आप दीपा दीदी हो, हम आपका पांव पड़ने आए हैं दीपा दीदी। ओ भाई यार, तुम कौन हो, क्या बात है? दीपा दीदी कहाँ है? यह है दीपा, बोलो क्या बात है? दीपा दीदी हमका माफ कर दीजिए, दीपा दीदी हमका माफ कर दीजिए, इसमें हमार कौन कसूर नहीं, सारा कसूर इस चमड़ी के जबान का है, इकर काट कर फेंक दीजिए, लेकिन हमका माफ कर दीजिए। अरे पर तो है कौन, ना जान ना पहचान, चला ठिया से। हम बोलू है, बोलू डॉक्टर विक्रम के नौकरी करते हैं सरकार, और ये हमारी घरवाली है, और ये हमारे बच्चे कच्चे। अरे देख कर रहे हो, प्रणाम करो दीदी को, प्रणाम करो। दीदी अब हम सब तो आप ही के शरण में है। ये चक्कर क्या है? हमारी शामत आई थी, न जाने सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया, रसोई घर में बैठे काम कर रहे थे, हमारे मुंह से निकल गया। जज साहब की जो लड़की है ना दीपा, उसने चोरी की है, वहां से डॉक्टर बाबू गुजर रहे थे, उन्होंने सुन लिया। हे भगवान, हमारी हमारी वो दुर्दशा की, वो मारा हमको। हे राम, सिर्फ मारा ही होता तो कुछ बात थी, हमें नौकरी से भी निकाल दिया, हमारे छोटे छोटे बच्चों पे भी दया नहीं की, बच्चों। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप सब कुछ कर सकती दीदी, आप सब कुछ कर सकती है। हमने डॉक्टर साहब के पांव पकड़े तो उन्होंने कहा जब तक दीपा माफ नहीं करेगी हम काम पर नहीं रखेंगे, अब आप हमें क्षमा कर दीजिए, नहीं तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। माफ कर दो दीपा, माफ कर दो। अच्छा जा, ठीक है तुम्हें माफ किया, आपने हमें माफ किया, आपकी बड़ी मेहरबानी, लेकिन डॉक्टर साहब से कहिएगा
जब तक कि आप नहीं कहेगी वो हमारा विश्वास नहीं करेंगे। हाँ हाँ कह देंगे जाओ अभी। अरे कह देंगे जाओ ना, बोल दिया ना। ये विक्रम भी बड़ा जालिम आदमी है, चलो उसे फोन करते हैं। लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, रखो जी, आओ चलते हैं। हेलो, बात करो। हाँ मैं विक्रम बोल रहा हूँ। मैं बोल रही हूँ, दीपा बोल रही हूँ। सच मानो दीपा, इस वक्त मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। अपने नौकर पे गुस्सा क्यों निकाला तुमने? क्या बोला वो? ये इच्छना कि मैं चोर हूँ? घर के लोग जो बात बोलेंगे वही तो नौकर बोलेगा। नहीं नहीं ऐसा मत कहो दीपा। मुझे क्या कहना है, बस इतना है कि मुझे तुम्हारे नौकर से कोई शिकायत नहीं, मैंने उसे माफ कर दिया, तुम भी उसे वापस नौकरी पर रखो, बस मुझे इतना ही कहने का है। अरे अरे पूरी बात कर लो ना, मुझे और कुछ बात नहीं करने का। अच्छा एक मिनट, हेलो विक्रम। हाँ हाँ वो तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना। अब क्या रह गया और बात करने के लिए? कह रहा होगा और क्या, बात कर लो। देखो दीपा, तुमने भोलू को तो माफ कर दिया, क्या तुम मुझे नहीं माफ कर सकती? मैं कौन होती हूँ किसी को माफ करने वाली, मैं तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी डॉक्टर थोड़ी हूँ। दीपा मेरे लिए इस दुनिया में तुम सब कुछ हो, तुम्हारी नजरों से ज्यादा मैं खुद अपनी नजरों में अपराधी हूं। उस शाम मैं इस तरह का एक चलाया, उस वक्त तुम्हें शायद मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मगर इसका यह मतलब नहीं कि जो कुछ तुम्हारे बारे में कहा जा रहा था मैं उसे सच मान रहा था। जिस तरह तुम्हारे पापा ने तुम्हें कभी अपराधी नहीं समझा, उसी तरह मैंने भी तुम्हें कभी दोषी नहीं माना। तुम मेरे लिए इतनी पवित्र हो कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। मैं उस दिन वहां से इसलिए चलाया कि मेरे रहने से शायद तुम्हारी परेशानी और शर्मिंदगी और बढ़ जाती। मैं चाहता था कि तुम्हारे परिवार की बात आपस में सुलझ जाए। तुम सच्ची बोल रहे हो? सच्ची बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर यकीन नहीं आता तो तुम्हारे पास खड़े हुए मेरी माँ की होने वाले समधन के बेटे से पूछ लो। क्या, माँ की होने वाली समधन का बेटा? ये क्या होता है? जोरू का भाई। नमस्ते बीबी, टैक्सी लेके आऊं? नहीं मैं चली जाऊंगी। चलते हैं यार, एक मिनट ठहरो तो। इतनी देर करवा दी, पता मैं कितनी मुश्किल से आई हूँ। अब बताओ कहाँ जाना है? आज तो परी लग रही हो तुम, चांद की सैर पे ले चलता हूँ। छोड़ो ना मजाक, सच सच बताओ कहाँ जाना है? क्यों, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? है तो चलो ना, बैठो ना, पहले से इतनी देर करवा दी, चलो। La 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 la.
आइए मिसेस सागर। हेलो कैप्टन वर्मा। विक्रम नहीं आया? आपकी पार्टी और मेरा बेटा ना है, वो बाहर कार पार्क कर रहा है। ओह आई सी। और वो कहाँ जो अभी अभी अमेरिका से आई? ओह गीता। यस डैडी। जी पहचाना नहीं बेटे? हेलो मिसेस सागर, जिनके हस्बैंड न्यूयॉर्क में रहते हैं 5th Avenue पर। अरे जिनका यहाँ तुम 2-3 बार डिनर पर भी तो गई थी। ओह हाँ गुड्डी आंटी। ओह हाय आंटी, कैसे हैं आप? हेलो कैप्टन, how are you? I'm fine, thank you. बेटी, ये है डॉक्टर विक्रम सागर। हेलो। प्लीज टू मीट यू। अरे हाँ गीता, अपने मेहमान को ले जाओ, इनकी कुछ खातिर वातिर करो। आइए ना। डोंट बी फॉर्मल। जाइए ना। जाओ विक्रम, जाओ बेटा। जी नहीं। अरे अच्छा तो बियर ले लीजिए। ओह नो थैंक यू। ओह आप तो कुछ भी नहीं ले रहे। जब इस मुल्क के लड़के शर्माते हैं ना तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन ये कहते हुए शर्माता भी नहीं हूँ, अंडरस्टैंड? ओ विक्रम, यू सो डिफरेंट। नो नो नो, आई एम जस्ट अ कॉमन मैन, नाइदर डिफरेंट नॉर इनडिफरेंट। पता है, मैं आज ही सुबह डैडी से कह रही थी कि ये मुल्क मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मगर आपको देखने के बाद लगता है ओपिनियन चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्या मेरी शक्ल पर हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ है? हाउ लवली, आई लव सच रिप्लाइज। अच्छा एक बात बताओ। फरमाइए।
इतने दिन तुम कहाँ थे? कौन मैं? मैं तो यही था। मेरा मतलब है तुम्हारे जैसा शख्स मेरी जिंदगी में बहुत पहले और बहुत जल्द आ जाना चाहिए था। Really? Come on, let's dance. चली। देख रही है मिसेस सागर? देख रही हूँ। बताना क्या लफड़ा है, मैं तेरी दीदी हूँ यार। बोल क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, एक लाफा दूंगी औंधे हाथ का कि अभी ठीक हो जाएगी। बोल क्या हुआ? उस आशिक से कोई लफड़ा हो गया जिसे तू रोज मिलने जाती है? तू क्या समझती है अपने आप को? तू होती कौन है मुझसे इस तरह बात करने वाली? मैं अब रो मत, मत रो तू। अब बता सच्ची सच्ची, कौन है वो साला बदमाश? बता उसका नाम, बता ना, बता। घबरा मत, मत घबरा तू, रोने से कुछ नहीं होता। इंसान को खुद हिम्मत रखे अपनी लड़ाई लड़ना मांगता। मैं भी अपनी जिंदगी में बहुत रोई लेकिन रोने से कुछ नहीं होता। मैं जब तक जिंदा हूं तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम मम्मी पापा से तो नहीं कहोगी? मुझे तेरे गले की कसम, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मुझे नहीं पता उसने मेरी ये तस्वीरें कब ली। और ये चिट्ठी में क्या लिखा? रानी, अगर कल रात 1000 रुपए लेकर होटल पर नहीं आई तो ये तस्वीरें तेरे डैडी तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। जाने मन। नाम क्या? सुखदेव। सुखदेव आएगी बच्चों, 1000 रुपया लेकर रानी तो नहीं, तेरी अम्मा आएगी। हफ्ते भर से पनौती लगी हुई है, आज भी 200 हार चुका हूँ। अबे रोत्री, हमेशा रोता ही रहेगा क्या? फ्रांसिस, yes? विस्की लाओ सबके लिए। ओके। अरे आज सुखदेव बड़ा मूड में है भाई, दिल खोल के खर्चा कर रहा है। क्यों नहीं प्यारे, आज मेरे ससुराल से ड्राफ्ट आने वाला है, यू नो, बिग ड्राफ्ट। ससुराल से? अरे वाह, तेरी वाइफ का अगर कोई छोटा या बड़ा सिस्टर हो तो हमको इंट्रोड्यूस कराना उन लोगों से। अबे लल्लू शक्ल देखिए आईने में, पत्ते खेल। साहब आपसे एक छोकरी मिलने को आया। कहाँ? ऊपर 19 नंबर कमरे में आपका इंतजार कर रहा है साहब। ओ फ्रांसिस, यस, मैं सबका बिल ऊपर से आके दूंगा। ओके सर। ओके ब्रदर। लो भाई, ड्राफ्ट आ गया भाई का। हाय डार्लिंग रानी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक बात तो मैं शुरू से ही जानता था कि तुम आओगी और जरूर आओगी। अरे आओगी नहीं तो जाओगी कहाँ, इतने बड़े जज की बेटी के लिए 1000 रुपया क्या चीज है? मगर तुम अंधेरे में क्यों बैठी हो? जब तुम्हारे और हमारे बीच में कुछ पर्दा नहीं तो फिर अंधेरा किस लिए रानी? हाँ? रानी कहाँ? रानी तो नहीं है, मैं हूं महारानी। ओ वाकई, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो तुम ठीक पहचाना, मैं वही छूं। ओ उस दिन के अरमान तो दिल के दिल में ही रह गए थे डार्लिंग, आज पूरे हो जाएंगे। हो, उस दिन मेरे अरमान भी मेरे दिल में ही रह गए थे, आज पूरे हो जाएंगे। तो फिर देर किस बात की है रानी? कोई देर नहीं है जानी। कुत्ते की औलाद, फोटो खींचना तू लड़की की, आज मैं खींची तेरी फोटो। कमीने, ये आवाजें कहां से आ रही है भाई? मैं लगता है ड्राफ्ट कैश हो रहा है भाई का। Oh!
बता वो तस्वीरें कहाँ हैं? कौन सी तस्वीरें? बता। छोड़ो ये। निकाल तस्वीरें। निकाल लेके नहीं। निकाल। निकाल। देता, देता। आगे से मेरी छोटी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तूने, तो काट काट कर बॉडी बना दूंगी तेरा। एक मेरी जिंदगी बर्बाद किया, वही बहुत है। कमीना साला। क्यों घबरा गई? अब तो खुश है ना दीदी? मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी दीपा दीदी। रानी मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे माफ कर दो। विक्रम। हाँ माँ। बेटा डिस्पेंसरी जाते हुए जरा वर्मा जी के यहाँ हो आना। ओफो माँ, ये मेरे मरीजों का टाइम है, सोशल विजिट का टाइम थोड़ी है। बेटा मैंने उन्हें बहुत जरूरी मैसेज देना है, आज रात मैं तुम्हारे डैडी से बात भी कर लूंगी। देखो माँ मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं, तुम खुद ही बात कर लो ना। देखो उनका फोन नहीं काम कर रहा है बेटा, दो मिनट रास्ते में हो आना। अच्छा माँ। गीता अरे भाई कोई घर में है? Thank you.
यार ये लोग सब हाथ जोड़कर मेरी जान के पीछे पड़े हैं। शादी कर शादी कर, समझ में नहीं आता क्या करूं। देख मैंने तेरे पहले भी कहा और फिर भी कहता हूँ, तेरी मम्मी को चाहिए मॉडर्न लड़की और तुझे चाहिए दीपा। इसका एक ही रास्ता, दीपा को मॉडर्न बना दो। और ये कभी हो नहीं सकता यार, तू बड़ी जल्दी निराश होता है। देख मेरे को एक आइडिया है। रहने दे तेरे आइडिया। अरे तो सुन तो ले यार, दीपा को लक्स में धोकर बढ़िया स्टार्च लगाकर प्रेस कर देते हैं। क्या? हाँ, फिर उसकी शक्ल को वार्निश लगा के चमका देते हैं। चमका देते और बदन पे थोड़ा डेकोरेशन लगा देते हैं, यानी कि अच्छी तरह ओवरहॉल करके फर्स्ट क्लास कंडीशन में ले आते हैं। फिर लेबल लगाते हैं मेड इन यूएसए, जिससे तेरी मम्मी खुश हो जाएगी। दिल तो तूने अप्रूव कर ही दिया है, स्ट्रक्चर मम्मी अप्रूव कर देगी, यानी तेरा सब कुछ फाइनल हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड। शाबाश शाबाश शाबाश। ए संभाल के हाँ, बहुत नजर आगे हाँ, बहुत अच्छे। हंसेगा नहीं, मैं सबको बाहर निकाल दूंगा ऐसे। चलो कोई बात नहीं, एक बात पूछे, अभी गलती नहीं करने का। नहीं होता है, चलते के टाइम पैर पे ध्यान रखो, सिर पे ध्यान रखो, बीच पे ध्यान रखो, तीन तीन काम एक साथ ही होता है अपन से। अरे कोशिश तो करो, कैसे नहीं होगा, कमाल है। अपन क्या खराब चलता है? अब पता है, जानता हूँ तू कैसे चलती है। ये किताब सर पे रखो और जो मैं बोलता हूँ वैसे करो। चलो क्या आफत है, पता नहीं अपन को ऐसा चला के कहाँ लेके जाएगा। अरे चल चल, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, चलो। वेरी गुड। समझ में नहीं आता हमारी रामायण कहाँ गायब हो गई। दादी माँ चुप क्यों, डिस्टर्ब नहीं करो दादी माँ, नहीं तो दीपा दीदी गिर जाएंगी। वो रही आपकी रामायण तेरी की। हाय 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 हाय, राम 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 राम, जय भगवान जी की। खबरदार, जो हमारे रामायण से खेल खेला तो ठीक नहीं होगा। अरे दादी माँ आप समझी नहीं, ये दीपा है ना बड़ी लहरा लहरा के चलती है, तो मैं इसे सीधे चलने को सिखा रहा था। अच्छा, तो क्लब सोसाइटी के बड़े घर की लड़कियों के चाल सिखा रहा। करेक्ट, ऐसे नहीं सिखाया जाता। मैं बताती हूँ, ए रानी इधर आ। जी दादी माँ। एक घड़ा पानी भर के ला। जी। सुन, तूने कभी अपने सर पर पानी का घड़ा रखा है कि नहीं? अरे बहुत बार, बस्ती में रहती थी तो कुएं से तो पानी लाती थी मैं। अरे जल्दी आ, रख इसके सर पर। दादी माँ बहुत ठंडा है ना, पानी जब गिरेगा तो बहुत मजा आएगा। ए चुप रह, चलो। हाँ चल बेटी। देखा क्या मस्तानी चाल हो गई। अरे ऐसे ही पुराने जमाने में जब सर पर मटका लेके लड़कियां चलती थी तो देखने वालों का सांस नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर रह जाया करता था। टो टोक मैंने कुत्ता, सी ए टी केट, केट मैंने म्याऊं। हाँ दीदी एकदम ठीक है। साला कुत्ता बिल्ली को क्या मालूम कि उनका एक नाम अंग्रेजी में भी है। अच्छा दीदी इधर देखिए। हाँ। मैं आई। हाँ? तुम यू। हाँ। ये ही। तू आई मैं यू। दीदी आप खुद को आई कहिए। मैं आई। अरे बच्चू आई का मतलब होता है माँ, मराठी में होता है दीदी, अंग्रेजी में नहीं। मैं आई। अच्छा ठीक है। हाँ आई यू। अरे अगर मैं आई तो तू कैसे आई, तू तो यू है ना, सब घोटाला करता है, यही सिखा दे तेरी टीचर। ओ दीदी आप समझते क्यों नहीं। Shut up, don't talk. दीपा ये देखो कितना बढ़िया ये लफुंदर, मैं नहीं पहनती। अरे पहन कर देखो, परी लगोगी। परी? परी मेरे को हवा में उड़ना है क्या? अरे दीपा प्लीज पहन कर तो देखो। तुम बोलता है तो पहन लेते।
अच्छा आंटी ये तो बताओ कि ये पार्टी किस खुशी में दी जा रही है? वही गीता, मेरा हाल भी तुम्हारे जैसा है। विक्रम ने कहा जरूर आना, मैं चली आई। पार्टी किसकी शान में मुझे खुद मालूम नहीं। अरे हमसे पूछो, उनके साथ पर्दों के अंदर की खबर रखते हैं। ए बताना हमें, डॉक्टर विक्रम की एक सुंदर सी प्यारी प्यारी सी गर्लफ्रेंड आसमान से उतरकर जमीन पर आ रही है। अच्छा अच्छा, ये पार्टी उसी से हम लोगों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए दी जा रही है। लेकिन वो है कौन? सुना है किसी स्टेट की प्रिंसेस है, राजकुमारी, और विक्रम से भी बहुत पुराना चक्कर है उसका। मगर कोई कह रहा था विक्रम की सगाई गीता से होने वाली है। गीता की विक्रम से? ओ नो यार, विक्रम का दिमाग खराब है क्या? ऐसी 10 गीता है पानी भरती है उस राजकुमारी के सामने। चलो देखो देखो वो लोग आ गए। कहता है दिल, कहता है दिल ओ मेरे सनम, लेकर तुझे, लेकर तुझे चलेंगे हम। कहता है दिल ओ मेरे सनम, लेकर तुझे चलेंगे हम। कहता है दिल है दिल, कहता है दिल ओ मेरे सनम, लेकर तुझे चलेंगे हम। कहता है दिल
हम तुम्हीं को चाहेंगे, साथ हम निभाएंगे, कहता है दिल, कहता है दिल ओ मेरे सनम, लेकर तुझे, लेकर तुझे चलेंगे हम, कहता है दिल। विक्रम। हाँ माँ। तेरी फ्रेंड बहुत सुंदर है, कितनी कल्चर्ड है, क्या मैनर्स है। मानती है ना। लेकिन तू इसे कब से जानता है? सच कहूँ माँ, मैं इसे पिछले जन्म से जानता हूँ, जन्म जन्म से जानता हूँ, या यूं कहो कि मैं सिर्फ इसे जानता हूँ माँ। तो ये बात है, जा बेटे, इसे इस जन्म की बात भी पक्की कर ले, जा। सच माँ। क्यों डॉक्टर की माँ, खा गई ना तुम भी झटका। विक्रम ये। हाँ माँ, ये वही है दीपा। तुम कहाँ हो जी? अरे तेरे पापा कहाँ हैं? पापा तो इस वक्त कचहरी में होंगे मम्मी। बेटे मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। हो क्या गया है? बहुत खुश नजर आ रही हो मम्मी। हाँ, ऐसी खबर है जो सुनने का ताजू में पड़ जाएगा। अरे बहू बताने क्या बात है? माँ जी, शीला ने अपने बेटे विक्रम के लिए हमारे दीपा का हाथ मांगा है। उसे हमारी बेटी बहुत पसंद है। इसका मतलब यह हुआ कि विक्रम को भी पसंद है। है ना खुशखबर? माँ जी, ये बात सुनकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कमाल की बात है। आखिर बहन किसकी है? दीपा? ए दीपा, मुबारक हो मेरी प्यारी बहनिया। थैंक यू, मगर मुबारक किस बात की? कोई खास बात नहीं है, वो अपना डॉक्टर है ना विक्रम, उसके साथ तुम्हारी शादी तय होगी, बस इतनी सी बात है। अरे शर्मा क्या रही हूँ, पैर छुओ, बड़े बूढ़ों का पैर छुओ, यही समय है। जीती रहो बेटी, जीती रहो। तू नहीं जानती बेटी, आज तूने हमारे परिवार का मान कितना बढ़ा दिया। पापा, ये राखी के त्योहार का आइडिया जिसके भी माइंड में पहली बार आया होगा ना, वो जीनियस हुआ होगा, क्योंकि भाइयों को लूटने का ये बेस्ट तरीका है। टीका सीधा लगाना चुचुंदरी, टीका तिरछा लगा तो मेरी दुल्हन भी तिरछी आएगी, और ये हमें मंजूर नहीं। सास बहू का झगड़ा इस घर में नहीं चाहिए। Am I right, मम्मी? जल्दी राखी बंधवा, कब से बकबक किए जा रहा है। अरे इसे तो रनिंग कॉमेंट्री करने की आदत है ना। जी जी राम, और तू भी क्या याद करेगी कि तेरे कोई रईस भाई मिला था, ले पूरे 5 रुपए। कंजूस है? क्या कहा? कंजूस। कंजूस? अरे 1000 रुपए का आशीर्वाद भी तो साथ में दे रहा हूं। दूधो नहाओ, पूतो फलो, और 7 बच्चों की मां बनो। And to hell with the family planning, right? क्या पापा, आप भी मजाक करते हैं, हम नहीं बोलते आपसे, जाइए। अच्छा अभी आप हटिए, आपकी बारी खत्म होगी, चले तेरा नंबर लग गया, आजा। देख भाई, साफ बात है, आप उनको बाद में किट-किट नहीं मांगते, आप उनका कम 5 रुपए से नहीं चलेगा, पूरे 25 चाहिए। चल मां ढीला करने के लिए रेडी हो जा तू। अबे बांध तो सही, फोकट की दादागिरी कर रही है, चल। अरे वाह, जन्म जिंदगी में पहली टाइम मेरे को भाई मिला, पहला टाइम मैं राखी बांधती हूँ। हाँ। तो इतने बरस का राखी बंधाई का बाकी का रोकड़ा तू नहीं देगा तो और कौन देगा? देखा मम्मी, वही खाता खोल के बैठ गई, देता देता हूँ, चल पहले राखी बांध। पहले माल रख फिर राखी बांध। पहले राखी बांधो। पहले माल रख, राखी बांधो। तू गवा रहना मम्मी, इसका भरोसा नहीं है मेरे को, बड़ी जल्दी जबान से पलटता है ये। तू बांध तो बेटी, वो नहीं देगा तो मैं उसके पॉकेट मनी से काट कर तुझे दे दूंगी। ले कुड़िया खरीद लेना, ले 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 ले, तो ये भी नहीं मिलेगा। देखा माँ, मैंने क्या कहा था? चीटर किशोर भैया, चीटर। क्या चीटर? हाँ चीटर, शिम जिम शिम। और नहीं तो क्या, 25 रुपए देने का प्रॉमिस नहीं किया था आपने? अरे अच्छा, तो सब दीपा का साथ देने लगे, जाओ नहीं देता, कर लो जो करना है। अच्छा Hey!
ऐसे नहीं जान दूंगा, नहीं दूंगी। मैं बताओ क्या सोच रहा है? यही कि वो लड़की को बहन कैसे मानूं, जिससे दीवानी की रात उसे वैसी हालत में देखा था। यही ख्याल सता रहा ना तेरे को? जरा मेरी सोच। उस रात तुम्हारे दोस्त के घर में मेरे साथ जो सुलूक हुआ, उसके बाद इंसान पर से भरोसा उठ गया मेरा। फिर पापा आए, एक माँ आई जिंदगी में, तो ऐसा लगता जैसे सब झूठ है, धोखा है, फरेब है। फिर तेरे को यहाँ देखा, एक भाई का माफिक तू मुझे मिला, तो मन में बोला कि भगवान ने दूसरा जिंदगी दी है, एक नया जीवन दिया है, मुझे कबूल करना चाहिए। मैंने तभी से तेरे को भाई मान लिया। आज चुप चुप रहकर क्यों बीते वक्त याद दिलाता मेरे को? भाई का प्यार सबसे बड़ा सुख होता है बहन की जिंदगी में, उसे क्यों छीनता मुझसे? हाँ दीदी, ये चाय मेरे लिए लाई है। किशोर भैया को दे आऊं, फिर तुम लोग के लिए लाती। हाँ, लेकिन किशोर भैया तो नहीं है। कहाँ गए वो? वो तो सुबह उठकर ही पुनः चले गए। ओ मम्मी, जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। हाँ हाँ, तुम लोग बाहर चलो, गाड़ी पे बैठो, चलो चलो चलो। पापा नहीं चलेंगे। सारी फिक्र तुझे, वो सीधे स्टेशन पर आ जाएंगे। चलो चलो। अच्छा दीपा, दीपा आई माँ। घर की सारी जिम्मेदारी तुझ पर है, ध्यान रखना। और ये रखा, आप बेफिक्र रहिए। दीपा बेटी, मैं जा रही हूँ, हमारे ठाकुर जी का ध्यान रखना। आप आराम से जाइए दादी माँ। मैं रोज सुबह नेम से पूजा करूंगी। सुखी रहो, बड़ी अच्छी है। तीन दिन की बात है बेटी, जैसे शादी की रस्म पूरी हुई हम चले आएंगे। अच्छा 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 दीपा बेटी, टाटा, बाय बाय। शुक्र है तुमने हमें पहचान तो लिया। क्या चाहिए तुम्हें? माल। कौन सा माल? वही जो तेरे बाप की तिजोरी में है, सारा का सारा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? दीपा, तू जानती है कि शंभू दादा को फजूल बातें करने की आदत नहीं है। अगर कल सुबह तक वो सारा का सारा माल नहीं आ जाए तो जिस शादी में तेरा बाप गया है ना,
वहां से वो जिंदा वापस नहीं लौटेगा बल्कि उसकी लाश ही आएगी। समझ ले। और हाँ एक बात और, जब तुम उस ब्लैकमेलर सुखदेव के पास से अपनी बहन की तस्वीरें लेने गई थी ना, तो उस वक्त इत्तेफाक से एक छोटा सा नेगेटिव वहां रह गया था और वो नेगेटिव अब मेरे पास है। अगर आज की बातों का जिक्र तुमने किसी से किया तो समझ लेना कि कल के सारे अखबारों में ये तस्वीर छप जाएगी और फिर उसके बाद तुम्हारे बाप को मारने की कोई जरूरत नहीं, वो बेचारा खुद ब खुद शर्म से मर जाएगा। क्या बात है किशोर, जब से तुम बॉम्बे से आए बहुत परेशान हो। कोई बात नहीं, ये तुम्हारे घर से एक चिट्ठी आई है। मेरे प्यारे भैया, तुम चाहे मुझे बहन ना मानो पर मैंने तो तुम्हें राखी बांधी है। तुम्हारे ही प्यार ने मुझे आज तक हिम्मत दी है, पर अब मुझसे रूठकर तुम ही चले गए हो। मैं किसके सहारे यहाँ रहूंगी? तुम अगली छुट्टियों में यहाँ आओगे तो शायद मैं नहीं मिली, लेकिन मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हारी छोटी बहन रानी अभी नादान है, किसी के भी बहकावे में आ सकती है। उसका हमेशा ख्याल रखना। सदा तुम्हारी बहन दीपा। हाय दीपा, ये क्या फोन करके क्यों बुलाया? कोई खास बात है? अरे सीरियस लग रही हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहो क्या बात है? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकूंगी। क्या? क्यों ये मत पूछो मुझसे। तभी तो ठीक है तुम्हारी। दीपा मुझसे कोई गलती हो गई? अरे भाई गलती होगी तो झगड़ो मुझसे या माफ कर दो, लेकिन इतनी भारी दिल को दुखाने वाली बात मत करो। मैं ठीक कह रही हूँ तुमसे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकूंगी। दीपा ये आज तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं दीपा, तुमसे शादी तो कभी भी कर लेता, लेकिन मैं चाहता था जिस तरह सिन्हा साहब ने तुम्हें बेटी का प्यार दिया है उसी तरह शादी के बाद मेरी मां भी तुम्हें प्यार करे। कितनी मुश्किलों से मां को राजी किया है, लेकिन एक तुम हो जो जी में वक्त देती हो। मैं शादी नहीं। तुमने कभी सोचा है विक्रम मैं क्या थी क्या करती थी? एक बदमाश चोरनी थी मैं। उफ़ दीपा फिर वही बात, कल तक तुम अकेली थी, जिंदगी की लड़ाई तुमने अकेली लड़ी थी, लेकिन आज तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी बदली हुई जिंदगी कोई ख्वाब नहीं, एक सच्चाई है। फिर कभी ऐसी बात मत करना, मजाक में भी नहीं। इस शादी को रोकना न तुम्हारे बस की बात है न मेरे।
एक और आम दिन, सब खैरियत है ना? ठीक है बाबूजी। सामान उतारो। मम्मी पापा भी आ गए। आ गए तो मैं क्या करूं? जाओ हाथ मुंह धो के कपड़े बदलो। दीपा, तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ? अच्छा, क्या बात है दीदी, आज इतनी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हो? कुछ नहीं हुआ मेरे को, तो जा अपने कमरे में। सुनिए, यहाँ रुपए रखे थे, कहाँ गए? वही होंगे, जाएंगे कहाँ? यहाँ तो नहीं है। चाबी दीपा के पास थी ना, उसी से पूछ लो। दीपा, दीपा जी, यहाँ रुपए रखे थे, कहाँ गए? क्या पूछ रही है तुम्हारी माँ? मुझे नहीं मालूम, कैसी बात करती है, चाबी तो तेरे पास थी। जवाब क्यों नहीं देती? कहा ना, मुझे नहीं पता। दीपा, दीपा मेरे सारी जिंदगी गुनेगारों को पहचानते हुए बीत गई है। जिस तरह से तुम जवाब दे रही हो, साफ जाहिर है तुम झूठ बोल रही हो। सच सच बताओ, बताओ। मैं नहीं जानती। झूठ मत बोलो दीपा, मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते। कह तो दिया एक बार। सच सच बोलो, बताओ कहाँ है रुपया? मैं झूठ सुनना नहीं चाहता, जवाब दो मेरे बात का। हाँ हाँ, लिया है मैंने रुपया। कहाँ है? सब खर्च कर दिया। इतना रुपया खर्च कर दिया? बंबई में मुश्किल है क्या, ऐसे उड़ जाता है। तू ये क्या कह रही है? ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, अपना मन चोरी करने को करेगा तो जरूर करेगा, यहाँ नहीं करेगा तो बाहर जाके करेगा। इतना ख्याल है अपने पैसे का, तो आगे से संभाल के रखना। दीपा, तूने चोरी की? हाँ, जिंदगी भर की है, नया बात है क्या? हमने तुझे इतने दिनों घर में रखा, प्यार दिया, अपना समझा, इसका तुझ पर कोई असर नहीं हुआ? ये सब आपका शौक था, मेरा नहीं। आपको मांगता थे सब, मुझे नहीं। मैं जो हूँ वही चोर वैसी चलूंगी। चोरनी, चोरनी। मेरे इतने दिनों की कोशिश, मेरा सारा सपना जरा से रुपयों के लालच में तोड़ दिया। सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाती तो अच्छा था। हमारी मोहब्बत की ये इज्जत की तूने? आप शांत हो जाइए, आप शांत क्यों नहीं होते? दम घुट गया साला मेरा। दीपा, तुझे चोरी पसंद? अपराधी की जिंदगी चाहिए तुझे? माँ बाप भाई बहन तेरे लिए सब बेकार। कुछ नहीं चाहिए मुझे। हेलो रमानोम, हाँ मैं सिन्हा बोल रहा हूँ। डैनियल, मैं नाकामयाब रहा, तुम अभी आकर दीपा को यहाँ से ले जाओ।
रानी अगर कल तक 1000 रुपए लेकर होटल पर नहीं आई तो ये तस्वीर तेरे डैडी तक पहुंचाने में देर नहीं होगी जाने मन सुखदेव। तुम्हारी छोटी बहन रानी अभी नादान है, उसका हमेशा ख्याल रखना। अरे किशोर, तेरा बॉम्बे से ट्रंक कॉल है। हेलो, हाँ मैं किशोर बोल रहा हूँ। हाँ विक्रम बोलो। क्या डैडी ने दीपा को घर से निकाल दिया, लेकिन क्यों फिर से रिमांड? माय गॉड विक्रम, सुनो विक्रम, मुझे आज एक ऐसी बात मालूम हुई जिससे लगता है दीपा के साथ बहुत अन्याय हुआ है। अब हम दोनों ही इसका रास्ता निकाल सकते हैं। यास्मीन, 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 दीपा आ रही, दीपा। आ गई महारानी, वेलकम वेलकम। सलाम मैम साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? उधर फवारे के नीचे नाती थी ना, तो यहाँ दिल नहीं लगता होगा तेरा। बड़े बाप की बेटी बनने गई थी, पर किस्मत में तो ये इज लिखा था। साली ने चोरी किया उधर और दूसरे का चांस भी खत्म कर डाला। अबे चल पत्ता फेंक। हाय किशोर, क्या हाल है? अबे ओए साहब के लिए कुर्सी लाओ यहाँ पे। ये सब क्या है? ला 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 ला। मुझे पता नहीं है दोस्त, चलो यार। पता नहीं। कहाँ है वो कुत्ता शंभू जो अपने आप को इस बस्ती का दादा कहता है? शंभू दादा के दर्शन तो बाद में होंगे बच्चों, पहले उसके शागिर्द से तो मिल। अबे ठहर जा। सुना था कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, आज अपनी आंखों से देख लिया। लगता है कि इन लोगों की शामत ही आई है जो हमारे मोहल्ले में हम ही को ढूंढने आए हैं। क्यों बे? बकवास बंद कर कमीने, सीधे तरीके से उस तस्वीर के नेगेटिव और दीपा से लिए हुए रुपए लौटा दे। वरना हमें टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना आता है। अच्छा, Thank you.
ये क्या है? ये वही चोरी का रुपया है जिसके लिए आपने दीपा को घर से निकाल दिया था। ये तुम्हारे पास कैसे आया? शंभू दादा से छीन कर लाए हम लोग। शंभू दादा? कौन शंभू दादा? बस्ती का एक गुंडा है, उसने दीपा को धमकी दी थी कि अगर इतने रुपए लाके नहीं देगी तो आपको जान से मार डालेगा। किशोर, दीपा के लिए तुम्हारा प्रेम मुझे समझ में आता है, लेकिन झूठे किस्से गढ़कर मुझे मत सुनाओ। दीपा जानती है कि एक गुंडे एक जज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहां से आए ये रुपए? क्यों विक्रम, आपका दिल भी कानून की तरह सख्त हो गया सिन्हा साहब? आप अपनी बेटी की आंखों में झांक कर तो देखते, क्या नहीं सहन किया उसने? पापा को शायद मालूम नहीं कि इतने दिन से घर में क्या हो रहा है, आप जानना चाहते ना? किशोर, दीपा की खामोशी और मजबूरी से लगता है कि तुमने कुछ नहीं सीखा। सिन्हा साहब एक जज के सामने अपराधी सच्चा बयान देता है, लेकिन माँ बाप और बच्चे के रिश्ते जज और अपराधी के रिश्ते नहीं होते। दीपा आपकी बेटी है, लेकिन यहां आने से पहले उसने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी ये आप नहीं जानते। शंभू दादा की धमकी आपके लिए गीदड़ भपकी हो सकती है, लेकिन दीपा के लिए जो झोपड़ियों में रहकर शंभू के डर से चोरनी बनी, एक भयानक सच्चाई है। जब उसने देखा एक गुंडे का चाकू सख्त है और पिता का प्रेम कमजोर, तो उसने चोरनी कहलाना कबूल कर लिया। बस अंकल, इतनी सी बात है। दीपा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आए हैं। हाँ बेटी, हम सब लोग आए हैं तुम्हें घर ले जाने के लिए। जब से आप चली गई हैं दीदी, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता। चलो ना दीदी। दीपा, मेरी तरफ नहीं देखोगी बेटी? घर चलो दीपा, पिछली बातें भूल जाओ। कोर्ट से गुनेगार का फैसला एक ही बार होता है जज साहब, वो बात नहीं, जो हो गया अब आप उसे नहीं बदल सकते, कोई नहीं बदल सकता। आज तो गुनेगार मैं हूं दीपा, और तू जज है, देखना यह है कि तेरा फैसला क्या है। हम गरीब तो सजाएं भुगतने के लिए पैदा हुए जज साहब, फैसला देने का हक हमारी किस्मत में कहा। अब गुस्सा थूक दो बेटी, चलो घर चलो। चोरनी का यही घर है माँ जी, गुनेगार का यही घर है। दीपा, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख दीपा। एक बार तो नहीं बोला था ना कि भाई बहन का रिश्ता जिंदगी भर का रिश्ता होता है, एक बार बन जाए फिर कभी नहीं टूटता। दीपा, जब मैं इस रिश्ते को नहीं तोड़ सका तो तू क्या समझती तू तोड़ सकेगी? मुस्कुराते चल फिर शुरुआत करते हैं। देख, विक्रम को देख, तेरे बिना उसकी सारी जिंदगी सुनी हो जाएगी। तुमने कहीं ना कहीं, लेकिन कहां याद आता नहीं। करता रहा जिसका मैं इंतजार, कहो के कहीं तुम वही तो नहीं। देखा है तुमने कहीं ना कहीं।